और आप लोग जो है इसको जल्दी से उठा लो। ये जो है बगलिहार बांध किस नदी पर जो है स्थित है, इसके बारे में बताना है। आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल महीने में, अप्रैल 2021 में जो है विश्व का सबसे ऊंचा बांध के रूप में जो है आर्क ब्रिज को बनाया जा रहा है, जो कि चिनाब नदी पर, और उसी चिनाब नदी पर मेरे प्यारे यह बगलिहार बांध को भी बनाया गया। इसका आंसर क्या करोगे? चिनाब नदी, जिस चिनाब नदी को प्राचीन में अस्कनी के रूप में जानते हैं, और इसका जो निर्माण हुआ है चंद्र और भागा दो नदियों के संगम के द्वारा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान दोगे, जिसको हम लोग चिनाब के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो ताज फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? एक पैलेस है जिसको हम लोग ताज फलकनुमा पैलेस के रूप में जानते हैं। इस पैलेस को आपको बताना है कि यह कहाँ स्थित है। क्या वो जम्मू में है, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, या फिर इनमें से कोई नहीं? ताज फलकनुमा पैलेस कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में डालोगे या कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग। बहुत लोग जो है, बहुत लोग आ रहे हैं। तुलबुल भी है, अरे तुलबुल झेलम पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, ध्यान दोगे मेरे प्यारे और प्यारी। याद रखना, ये जो है ताज फलकनुमा पैलेस के बारे में बात कर रहे हैं, यह हैदराबाद राज्य में स्थित है, सॉरी हैदराबाद शहर में स्थित है। इसका आंसर आप लोग सी करना, बी नहीं होगा। सर मेघालय में भी एक आर्क ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, लेकिन विश्व जो है उसका सबसे बड़ा नहीं किया गया। ठीक है रामकृष्णा, देख लेंगे एक बार। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा नहीं किया जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा जो यहाँ पर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? क्या वो तमिलनाडु में? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आप लोग के सेट प्रैक्टिस में भी आया होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान क्या वो तमिलनाडु में है, लक्षद्वीप समूह में, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनमें से कोई नहीं, किसी में नहीं है? तो सब लोग इसका आंसर बताओगे, जिसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। तो ध्यान देना मेरे प्यारे, ये जो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो जो है अंडमान निकोबार, जो कि भारत की सबसे बड़ी द्वीप समूह है, जिसमें टोटल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें से 19 जो द्वीप है मेरे प्यारे, 19 द्वीप किसके अंतर्गत? तो यह जो है निकोबार के अंतर्गत आते हैं, बाकी के टोटल द्वीप जो है अंडमान के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देंगे, इस अंडमान निकोबार जो है सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्रशासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, और यहीं पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रताल झील कहाँ स्थित है? अब बताएंगे आप लोग चंद्रताल झील के बारे में। ये चंद्रताल झील जो है कहाँ पर स्थित है? जितने भी ताल आते हैं उनका संबंध जो है उत्तराखंड से होता है, जैसे कि राकस ताल तो तिब्बत में है, बहुत सारे ताल नामक जो झील है वो सभी के सभी उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पर हम लोग चंद्रताल के बारे में बात कर रहे हैं। एक है चंद्रताल और एक है सूर्यताल। सूर्यताल के बारे में बात करेंगे तो यह तो हरियाणा में है, यह कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा में झील स्थित है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रताल के बारे में, तो यह कहाँ स्थित है? आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो हमें पता था आप लोग यूके की तरफ जाएंगे, जितने भी ताल होते हैं यूके, लेकिन दो ऐसे ताल हैं जो कि एक्सेप्शनल में आते हैं, जैसे कि चंद्रताल। तो मेरे प्यारे याद रखना, वो कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर यही सूर्यताल की बात करेंगे तो कहाँ स्थित है? तो जो है हरियाणा में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और भी सभी के सभी ताल जो है वो कहाँ है? तो वो जो है उत्तराखंड में। अगला है कि लखवार बांध किस नदी पर स्थित है? लखवार बांध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये लखवार बांध जो है कहाँ पर, यानी कि किस नदी पर स्थित है? क्या वो गोदावरी, नर्मदा, यमुना, कावेरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सब लोग इसका आंसर बताओगे। हाँ, सूरजताल हरियाणा, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड, बहुत अच्छा अंकिता कुमारी, और बहुत लोग का आंसर भी आ रहा था। चलिए इसका आंसर बताओगे आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं लखवार बांध किस नदी पर है, तो मेरे प्यारे याद रखना, यह जो लखवार बांध यमुना नदी पर स्थित है। यह वही यमुना है जो कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो जो यमुना है जो कि गंगा की सहायक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ये गंगा से कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज नामक जगह पर यह गंगा से मिलती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दुमहाल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? दुमहाल नृत्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दुमहाल नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको इसके बारे में बताना है। हाँ, यमुना पर है, ठीक है, यमुना पर है, आप लोग ध्यान दोगे। उससे पहले जो भी हमारे पॉइंट थे, चलो कुछ पॉइंट और थे, जैसे कि गोदावरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना जो है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि बंदरपुछ पहाड़ी पर स्थित है, जो कि बंदरपुछ पहाड़ी पर स्थित है, वहां से निकलती है। कावेरी की बात करते हैं तो यह जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी है जिसको हम लोग कावेरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये यमुना नदी पर एक बांध बांधा गया जिसको हम लोग लखवार बांध के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुमहाल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखोगे दुमहाल जो नृत्य का संबंध है उसका किस राज्य से है? तो क्या वो बिहार से है, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, या फिर लास्ट ई ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ जा रहा है, किससे संबंधित है? तो ध्यान देना मेरे प्यारे, इसका आंसर क्या करोगे? तो ये जो दुमहाल नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो जो है जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है, यानी यह जो है वहां के लोगों के द्वारा, वहां के जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मेरे प्यारे और प्यारी ध्यान दोगे, जनगणना 2011 की चर्चा कर रहा है, इसके अनुसार जो भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित ने अगर राज्य पूछता तो राज्य हम लोग किसको पकड़ लेते हैं? तुरंत केरल को, और केरल से ही संबंधित और केरल से ही नजदीक में एक जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम लोग लक्षद्वीप के रूप में जानते हैं, यह वही लक्षद्वीप है जो कि प्रवाल भित्ति के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसमें द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन 11 द्वीपों पर जीवन पाया गया है। इसकी एक द्वीप है जिसको हम लोग पिटली द्वीप के रूप में जानते हैं, जहां पर एक पक्षी अभ्यारण्य को पाया गया है, जो कि बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान दोगे उसी लक्षद्वीप, यही जो लक्षद्वीप है जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानी जाती है। इसका आंसर क्या करोगे आप लोग? तो इसका आंसर आप लोग लक्षद्वीप करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थित है? जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या पंजाब में, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर गुजरात? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे, ये जैतापुर कहाँ स्थित है? तो ध्यान दोगे, ठीक है, तो सब लोग इसका आंसर बताओगे। और यह हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अभी आप लोग के साथ जुड़ेंगे रत्नेश सर, और रत्नेश सर आप लोग के समझ मेडिवल हिस्ट्री के सभी इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आएंगे, और वो जो संदर्भ जो है आप लोग के समझ डिस्कशन को लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग उस सेशन को जरूर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग के समझ सावंत सर आएंगे, अरुण सर आएंगे, पीयूष सर आएंगे, हम लोग की सेशन जो है लगातार चलते रहेगी। फिर कल रात्रि को मैं आप लोग के समझ करंट अफेयर के सेशंस को लेकर फिर से आऊंगा, जिसमें अधिक से अधिक करंट अफेयर को लेकर हम लोग जो है आ रहे हैं आप लोग के समझ। जो करंट अफेयर आप लोग के एग्जाम के लिए बीपीएससी के एग्जाम में लगभग क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है करंट अफेयर? तो 30 होती है आप लोग, इस 30 नंबर के लिए तो आप लोग जरूर जुड़ेंगे। उसके बाद जो स्टैटिक जीके के प्रश्नों के साथ मैं आप लोग के समझ हाजिर हूँ। ठीक है, ध्यान दोगे, जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह जो कहाँ स्थित है? तो यह जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या करोगे आप लोग? तो इसका आंसर आप लोग सी करना। ठीक है सर, आप कितने बजे आते हो? मैं आता हूँ 12 बजे, मैं 12 बजे आता हूँ और एक 3 बजे आता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है 12 बजे 12 से जुड़ सकते हो। हम लोग जो है मैं करंट अफेयर को लेकर आ रहा हूं आप लोग के समझ। ठीक है, तो 12 बजे हम जुड़ रहे हैं आप लोग के साथ करंट अफेयर और उसके बाद स्टडी जीके के प्रश्नों के साथ। यहां तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए सभी लोग को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज फिर से हम लोग मध्यकालीन भारत के उन बढ़िया प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपके सामने लग चुका होगा। तो आप सभी तमाम छात्रों को मेरा सुप्रभात, मेरा नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाइएगा और आज के पहले प्रश्नों को हम बताते हैं कि आज का पहला सवाल क्या पूछा गया है। आज का पहला सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है। सवाल बड़ा शानदार है और इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जल्दी से जुड़िएगा। ऑप्शन में उड़ीसा लिखा है, गुजरात लिखा है, मेवाड़ लिखा है, कश्मीर लिखा है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर आना चाहिए और बहुत सारे छात्रों का सही उत्तर आने लगा है ऑप्शन नंबर सी, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा और बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है मेवाड़ करके, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जो लोग जा रहे हैं सबका आंसर सही है। अब हम थोड़ी सी चर्चा बाबर के बारे में बात करें तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यह है बाबर महोदय और बाबर के बारे में कितना आप जानते हैं यह जानने की आवश्यकता भी है। अब सबसे बड़ी बात करें बाबर के बारे में तो आप जानते होंगे इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। आप सभी ने पढ़ा होगा 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था यह फरगना के अंडीजान में हुआ था। फरगना के अंडीजान में बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को हुआ था। आप सभी जानते होंगे कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है। आपने पढ़ा होगा कि इनके पिता का नाम क्या बताया जाता है, तो इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा बताया जाता है, जबकि इनके माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। तो माता का नाम की बात किया जाए तो माता का नाम याद रख लेंगे कुतुलुग निगार खानम। यह सारे प्रश्न आपको याद रख के चलना है, कुतुलुग निगार खानम। जबकि हम बात करें बाबर के पुत्रों के बारे में और बाबर की पत्नी का नाम के बारे में बात करें तो इनके पत्नी का नाम आप जानते होंगे माहम अंगा बताया जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम माहम अंगा है। और जबकि इनके पुत्रों के नाम के बारे में बात करें तो इनके पुत्रों का नाम याद रख लेंगे। बहुत शानदार प्रश्न पूछा जाता है जिसमें हुमायूं का नाम आता है, जिसमें कामरान का नाम आता है, जिसमें अस्करी का नाम आता है और जिसमें हिंदाल का नाम आता है। तो इनके 4 पुत्र हैं, आपको पता होगा, हुमायूं है, कामरान है, अस्करी है और हिंदाल है। जबकि इनके पुत्री के बारे में बात किया जाए तो इनकी पुत्री का नाम याद रख लेंगे क्या है, तो गुलबदन बेगम है। इनकी पुत्री के बारे में बात किया जाए तो इनकी पुत्री का नाम जो है गुलबदन बेगम बताया जाता है। जबकि इनकी एक बहन थी, उनका नाम क्या था, खानजादा बेगम। तो इनकी एक बहन थी जिनका नाम क्या था, खानजादा बेगम नाम था, याद रख लेंगे। बड़ा शानदार प्रश्न यहाँ से आपके बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में यदि मैं चर्चा करूं तो यह तमाम सवालों के अंतर्गत मैं बाबर के बारे में और सारा डिस्कशन आपसे करने का प्रयास करूंगा। मैं आप सभी तमाम छात्रों से एक बार आग्रह करता हूं कि डिस्कशन को जरूर देखें, क्योंकि यह डिस्कशन आपके लिए फायदेमंद होगा और यह आपको सक्सेस में बहुत कारगर साबित होने वाला है। 1501 के बाद हम बात करें यहाँ पे तो बाबर जो है 1494 में फरगना का शासक बना था। बाबर जो है 1494 में फरगना का शासक बना था। और आपको सारे डाटा वाइज डाटा मैं कंसेप्ट क्लियर करते चलूं। और 1501 में इसने क्या किया, तो 1501 में सारे पुल की लड़ाई किया था। आपको पता होना चाहिए सारे पुल की लड़ाई, यह बड़ा महत्वपूर्ण लड़ाई है जिसमें इसने सैबानी खां को हरा दिया था। सारे पुल की लड़ाई में इसने सैबानी खां को हरा दिया था। 1501 का मामला था, याद रख के चलेंगे। जबकि मैं डाटा पे बात करूं तो 1500 4 में इसने क्या किया तो 1504 में इसने काबुल को जीत लिया था, याद रख लेंगे, जबकि 1506 में इसने हेरात पर विजय पाया था। तो 1504 में इसने काबुल को जीता और 1506 में इसने हेरात को जीता, और याद रख लेंगे 1507 में इसने क्या किया तो पादशाह की टाइटल ले लिया था। 1507 में इसने पादशाह की उपाधि धारण किया था। बड़ा मशहूर सवाल है, जब यह काबुल को 1504 में जीता तो उसके 3 साल के बाद इसने पादशाह का टाइटल ले लिया। अब सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि हम बात करें बाबर को भारत में, तो बाबर ने 1519 में अपना पहला आक्रमण जो है भारत में यूसुफजाई जातियों के खिलाफ किया था। आपने पढ़ा होगा यूसुफजाई जातियां, तो बाबर का पहला आक्रमण आपने पढ़ा होगा 1519 में होता है, यूसुफजाई जातियों के खिलाफ में होता है। लेकिन सवाल यह नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा बाबर के प्रसिद्ध आक्रमणों में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, आप जानते होंगे पानीपत का पहला लड़ाई हुआ। 1527 में इसने खानवा की लड़ाई की, आप जानते होंगे। 1528 में इसने चंदेरी की लड़ाई की, आप जानते होंगे। और 1529 में इसने घाघरा की लड़ाई किया था, आप जानते होंगे। और 1530 में बाबर का डेथ हो गया था, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। कुछ मैं बातों को आपको ओरली बताने का प्रयास कर रहा हूं, इससे ध्यान से समझने का आप प्रयास कीजिएगा। 1519 में बाबर ने यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध जो आक्रमण किया, बुरी तरह से बाबर ने बाजौर और भेरे के किले को हथिया लिया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने भारत में पानीपत का पहला लड़ाई किया, आप जानते होंगे। यह पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तुगलमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। यह तुगलमा युद्ध प्रणाली ऑटोमन एम्पायर से ग्रहण किया गया था, और पहली बार पानीपत की पहली लड़ाई में इसने तोपखाना का व्यापक प्रयोग किया था। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। सवाल पूछा जाता है कि बाबर को भारत पर आने का न्योता किसने दिया था, आप जानते होंगे इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, दौलत खां लोदी और रंगड़ा संगा ने बाबर को भारत पर आने का निमंत्रण दिया था। आप जानते होंगे कि बाबर के प्रसिद्ध तोपचियों का नाम उस्ताद अली और मुस्ताफा बताया जाता है, जबकि बाबर के प्रसिद्ध तोप का इंचार्ज का नाम रूमी खां था। यह तमाम सवाल आपके पेपर में उठाए जा सकते हैं। 1527 आप जानते होंगे खानवा का प्रसिद्ध लड़ाई, यह 27 मार्च 1527 को लड़ा गया था, और यह खानवा जो जगह है यह राजस्थान में मौजूद है। आपको पता होगा कि खानवा की लड़ाई जीतने के बाद बाबर जो राणा संगा से जीत गया, तो इसी उपलक्ष्य में उसने गाजी का टाइटल धारण किया था। आप जानते होंगे खानवा की लड़ाई के बारे में सवाल पूछा जाता है, किसने खानवा की लड़ाई को जिहाद का नारा दिया था। खानवा की लड़ाई के समय मुस्लिम व्यापारियों पर लगने वाला तमगा टैक्स को बाबर ने क्या कर दिया था तो बंद कर दिया था। आप जानते होंगे कि बाबर की सैनिक जो है राणा संगा से लड़ने से इनकार कर दी थी, लेकिन बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करते हुए कहा कि भारत में मुसलमान धर्म खतरे में है, और यदि आप राणा संगा जैसे काफिर से लड़ते हुए मारे जाओगे तो आप सीधे जन्नत में जाओगे, और यदि राणा संगा जैसे काफिर से हारते हुए भाग जाओगे तो आपको नरकों में जगह नहीं मिलेगा। ऐसा मेंटलिटी पैदा कर दिया था बाबर ने अपने सैनिकों के खिलाफ। और यह भी बता दें कि बाबर ने खानवा की लड़ाई के समय तमाम प्रकार के मदिरा, तमाम प्रकार के अफीम, तमाम प्रकार के चरस और मादक पदार्थ पर भी बैन कर दिया था। राणा संगा जो एक आंख से अंधा, एक पैर से लंगड़ा और एक हाथ का अपाहिज था, इनसे लड़ाई करने से पहले वह लगभग इनके शासनकाल से पहले लगभग मुख्य रूप से 89 तीर भालों के निशान उसके शरीर पर थे, और लगभग 50 से अधिक लड़ाइयां कर चुका था। आपको पता है 1528 में चंदेरी की लड़ाई लड़ा गया था, जो मेदनी राय के साथ लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। आपको पता होगा 1529 से यह घाघरा का प्रसिद्ध लड़ाई था, जो महमूद लोदी के साथ लड़ा गया था। और घाघरा की लड़ाई के बारे में सवाल पूछा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा लड़ाई था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था, यानी नाव पर बैठकर घाघरा की लड़ाई लड़ा गया था। 1530 में बाबर का डेथ हो जाता है। बाबर के शरीर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, आपने पढ़ा होगा, जबकि उसके बाद इनके शव को उठाकर काबुल में शिफ्ट कर दिया जाता है। बाबर ने अपनी दयानंदनी डायरी में यह बातें लिखा है कि उसको फूल पत्तियों, बगानों और वनस्पतियों से बड़ा प्रेम है और उसकी इच्छा थी उसके शव को काबुल में दफनाया जाए। बाबर के प्रसिद्ध गुरु का नाम अबुदुल्ला अहरयार था। आप नाम याद रख लेंगे, पूछा जाता है कि बाबर के प्रसिद्ध गुरु का नाम क्या था। अब्दुल्ला अहरयार का शिष्य था और बाबर मुबैयान पद शैली का जन्मदाता भी भारत में माना जाता है। बाबर के बारे में बात किया जाए तो बाबर की एक अपनी आत्मकथा है जिसका नाम आप जानते होंगे तुजुके बाबरी बताया जाता है, जो बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा है। लेकिन इस तुजुके बाबरी को आगे चलकर फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खानखाना साहब ने कर दिया है, जबकि इसका अंग्रेजी में अनुवाद बेबरिच के द्वारा किया गया है, जबकि इसका हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया है। तो यह तमाम सवाल आपको याद रख के चलने हैं बाबर के बारे में। चलिए अगले प्रश्न को दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहां पर वेदशाला नहीं बनवाया था। एक सवाल उठाया गया है कि जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने कहां पर वेदशालाओं का निर्माण नहीं कराया था। ऑप्शन दिखाते हैं आपको, उज्जैन लिखा है, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। और बहुत सारे छात्र भी जगे नहीं है, सब जग जाएंगे तो सब पढ़ने लगेंगे, सब मस्त डिस्कशन का आनंद लेने लगेंगे। चलिए सभी लोग राइट उत्तर करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और बहुत सारे छात्रों का राइट आंसर आने लगा है, सर इलाहाबाद उत्तर हो जाएगा। बहुत खूब मेरे भाई, आप इसी जोश और इसी जुनून का मोहताज नहीं है। यह वीर के, यह जो है बिहार के शेर हैं, यह किसी से डरने को मोहताज नहीं है। और हमारी मेहनत और आपकी यह मेहनत जरूर 8 मई को रंग लाएगी और पूरे द ऑफिसर एकेडमी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पूरी रात पूरी दिन हमारे इस महायज्ञ का हिस्सा बने हैं। इसके लिए ग्रेट सैल्यूट आप सभी तमाम बिहार के, पूरे भारत के छात्रों को। ऑप्शन इलाहाबाद सही है। यहाँ पे महाराजा सवाई जयसिंह की बात किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। और जब महाराजा सवाई जयसिंह की बात होगा तो जंतर मंतर का निर्माण 1724 में कराया गया था। ध्यान से समझेंगे, सवाल हो सकता है कि जंतर मंतर का निर्माण की बात किया जाए तो जंतर मंतर का निर्माण जो है यह 1724 में कराया गया था। और आपको बता दें यह सवाई राजा जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण जो है यह 1724 के आसपास कराया गया था। लेकिन जंतर मंतर मुख्य रूप से आपको बता दें कहां पर है तो जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में है। जंतर मंतर आपको कहां पर है तो जयपुर में है, उज्जैन में है, आपको याद रख लेना है, मथुरा में है और याद रखने के चलना है वाराणसी में है। इसके साथ साथ आपको बता दें 1724 में जंतर मंतर दिल्ली में भी बनाया गया था। तो मुख्य रूप से भारत में जंतर मंतरों की संख्या की बात किया जाए तो मुख्य रूप से भारत में जंतर मंतर क्या तो 4 और 5 जगहों पे मौजूद है। भारत में जंतर मंतर जो है 5 जगहों पर मौजूद है, याद रख लेंगे। एक जयपुर में है, उज्जैन में है, मथुरा में है, वाराणसी में है और 1724 में दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया। तो यह सारे प्रश्न आपके पेपर के हिसाब से जरूरी है। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय जो मारवाड़ के राजा थे, जो राजस्थान के जाने माने राजाओं में से एक माने जाते हैं, जंतर मंतर के निर्माण में इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा था, इनको बहुत सारे नक्काशीदारों से लड़ाइयां भी लड़ना पड़ा था। तो सही आंसर जो लोग कर रहे हैं इलाहाबाद, सभी छात्रों का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगले सवाल को लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया था। अब सेम सवाल ऐसा पूछा गया है कि दिल्ली में जंतर मंतर की बात किया जा रहा है कि दिल्ली में जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला का निर्माण किया गया है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन देखते हैं। अकबर है, शाहजहां है, सूरजमल है, जयसिंह द्वितीय है या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। और बहुत सारे छात्रों का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। जो लोग जयसिंह द्वितीय आंसर कर रहे हैं सभी छात्रों का सही आंसर है। देखिए प्रश्न पूछने का तरीका कैसे है, आपसे वह प्रश्न कैसे पूछ सकता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि आपको बता दें यहां पे एक प्रश्न हो सकता है सूरजमल से, और आप जानते होंगे इन सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। इस सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। यह बात याद रख लेंगे कि राजा सूरजमल जो है इनको जाटों का अफलातून के नाम से जाना जाता है। आप अकबर के बारे में तमाम जानकारियां कल के वीडियो में मैंने आपको दिया था। शाहजहां आप जानते होंगे कि मुगल डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा धनी आदमी माने जाते हैं। आप जानते होंगे कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आप जानते होंगे कि शाहजहां ने सबसे प्रसिद्ध इमारत अपने पत्नी मुमताज महल की याद में आगरे में उनके कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल को मलिका ए जमानी का उपाधि से भी नवाजा था। आप जानते होंगे शाहजहां के बारे में सवाल पूछा जाता है कि शाहजहां ने ही प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। मयूर सिंहासन बनाने का काम बेबादल खां को जाता है। आप जानते होंगे दिल्ली का जामा मस्जिद ले लीजिए, आगरे के मोती मस्जिद ले लीजिए, दिल्ली का लाल किला की बात किया जाए, यह तमाम कृतियां जो है यह शाहजहां के बारे में जानकारियां देता है। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का मृत्यु 1632 में 14वें पुत्र को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के कारण हो गया था। आपने यह सवाल पढ़ा होगा। और शाहजहां जो भारतीय इतिहास के मुगलों के सबसे धनी आदमी थे। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक था। हैदराबाद के स्वतंत्र साम्राज्य की संस्थापक की बात किया जा रहा है। क्या कमरुद्दीन खान थे, मोहम्मद आमिर खान थे, असद खान थे या चिनकलीज खान थे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है। चलिए बहुत सारे छात्र गाना भी गा रहे हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग का गाना भी आ रहा है बहुत सारे छात्रों का। तो गाना गाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, लेकिन 8 मई को परीक्षा देने के बाद अभी कोई गाना नहीं होगा, कोई बजाना नहीं होगा, अभी सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर सवाल चल रहा है और 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, चिनकलीज खान। मेरे भाई चिनकलीज खान जो नाम है इसका वास्तविक नाम हम बता दें आपको, पेपर में पूछा जाता है। इस व्यक्ति का वास्तविक नाम जो था वो निजामुल मुल्क था। इस व्यक्ति का वास्तविक नाम की बात किया जाए तो निजामुल मुल्क बताया जाता है कि चिनकलीज खां का वास्तविक नाम जो है निजामुल मुल्क माना जाता है। इसके बारे में बात करें तो आपके पेपर में पूछा जाता है कि 1724 में चिनकलीज खान ने हैदराबाद स्वतंत्र रियासत की स्थापना किया था। 1724 में हैदराबाद में स्वतंत्र रियासत की स्थापना। तो हैदराबाद में याद रख लेंगे स्वतंत्र रियासत की स्थापना की बात किया जाए तो राइट उत्तर मारेंगे चिनकलीज खां। तो चिनकलीज खां ने 1724 के आसपास हैदराबाद में स्वतंत्र रियासत की स्थापना किया था। आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है चिनकलीज खां उर्फ निजामुल मुल्क के बारे में कि यह तुरानी गुट का व्यक्ति माना जाता था। आपको बता दें बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि चिनकलीज खां जो था यह तुरानी गुट का, याद रख लेंगे कौन से गुट का, तो यह तुरानी गुट का आदमी था, याद रख लेंगे। बड़ा मशहूर सवाल था। सॉरी, यह चिनकलीज खां जो था यह किस गुट का आदमी था, तो यह तुरानी गुट का आदमी था। और 1722 में चिनकलीज खां को दिल्ली का वजीर बनाया गया था। आपको यह प्रश्न याद रख के चलना है कि 1722 में इसे क्या किया गया था, तो 1722 में इसे दिल्ली का क्या किया गया था, तो इसे दिल्ली का वजीर बनाया गया था। तो 1722 में इसे दिल्ली का वजीर बनाया गया था, आपको याद रख के चलना है। तो मूल रूप से सवाल हो सकता है कि हैदराबाद के निजाम चिनकलीज खान को 1722 में दिल्ली का मुख्य रूप से क्या किया गया था, तो दिल्ली का वजीर बनाया गया था और चिनकलीज खान सैयद बंधुओं के पतन में सबसे अहम रोल निभाया था। आपको बता दें चिनकलीज खान जो है यह सैयद बंधुओं के पतन में सबसे अहम रोल निभाया था। तो यह तमाम सवाल याद रख के चलना है। सैयद बंधुओं के पतन की बात किया जाए तो सैयद बंधुओं के पतन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है यह किसने निभाया था, तो सबसे महत्वपूर्ण रोल की बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण रोल इसने सैयद बंधुओं के पतन में निभाया था। या वही चिनकलीज खां है जिसके बारे में बताया जाता है कि इसके यहाँ निजामुल मुल्क के यहाँ इसी हैदराबाद के आप जानते होंगे निजाम के यहाँ क्या किया गया था, तो बाजीराव द्वितीय जो चढ़ाई कर दिया था और इसके घर में ही बैठकर इसको धमकिया दिया था, इससे संधि किया था। बाजीराव द्वितीय जो इसको बड़ी बुरी तरह से इसके घर में ही इसे प्रताड़ित कर दिया था और इससे संधि कर लिया था। तो यह मुख्य पॉइंट जो है चिनकलीज खां को आपको याद रखना है। वास्तविक नाम निजाम उल मुल्क है जो हैदराबाद का क्या माना गया है, तो निजाम के रूप में जाना जाता है। चल तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था। अब एक सवाल पूछा गया है कि अवध का पहला नवाब, आप जानते होंगे कि अवध में नवाबों का क्रम जो है बहुत लंबा इतिहास रहा है। अब अवध का पहला नवाब में आसफ दौला का नाम आता है, शहादत खां का नाम आता है, सुजाउदौला का नाम आता है, सफदर जंग का नाम आता है। इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर करेंगे, 5 नंबर प्रश्न चल रहा है और 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग का सही आंसर आना चाहिए। और जो लोग सफदर जंग आंसर कर रहे हैं सभी छात्रों का गलत उत्तर है, सभी छात्रों का गलत उत्तर है। इस प्रश्न का राइट आंसर शहादत खां हो जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं सवाल बता दूं, 18वीं से 19वीं शताब्दी, ध्यान से समझेंगे, 18वीं से 19वीं शताब्दी में, शताब्दी के मध्य, ध्यान समझेंगे, 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य अवध में नवाब पद का सृजन हुआ। अवध में नवाब पद का सृजन हुआ। तो मोटे तौर पे आपको यह बात याद रखना है कि 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जो है अवध में नवाब पद का क्या होता है, तो नवाब पद का सृजन होता है। और आपको मोटे तौर पे बता दें कि शहादत खां जो है यह अवध का पहला नवाब है जो 1732 से लगाकर 1858 तक यह नवाब के पद पर रहा। यह नवाब के पद पर कब से कब रहा, तो याद रख लेंगे, यह नवाब के पद पर मूल रूप से 1732 से लगाकर 1858 तक जो है यह नवाब के पद पर रहा था। इसके बारे में बताया जाता है, शहादत खां के बारे में पेपर में सवाल पूछा जाता है कि शहादत खां 1732 से 1739 तक नवाब के पद पर रहा, लेकिन टोटल 1732 से 1858 तक नवाबों का क्रम रहा। तो नवाबों का सिलसिला जो जारी रहा था, याद रख लेंगे, नवाबों की सिलसिला जो जारी रही थी, यह नवाबों की सिलसिला जो है मुख्य तौर पे जो है यहाँ तक रहा। लेकिन यह जो नवाब बना रहा, तो यह नवाब कब तक बना रहा, तो याद रख लेंगे, यह नवाब बना रहा, याद रख लेंगे, बहुत शानदार सवाल है, 1732 से लगाकर 1739 तक। तो यह नवाब बना रहा 1732 से लगाकर 1739 तक। जबकि आपको यह बात याद रखना है कि अवध में नवाबों का सिलसिला जारी रहा 1732 से लगाकर 1858 तक। 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में अवध में नवाबों का पद का सृजन किया गया था। शहादत खां का समय 1732 से लगाकर 1739 तक रहा। और आपको बता दें, आप एक सवाल याद रख लेंगे, दरोगा के मुख्य परीक्षा में 2 से 3 दिन पहले वो सवाल पूछा गया था। अवध का अंतिम नवाब जो था आप जानते होंगे वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब की बात किया जाए तो अवध का अंतिम नवाब जो था वह वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब जो था वह कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। तो यह भी प्रश्न याद रख लेंगे कि अवध का अंतिम नवाब की बात किया जाए तो सभी लोग इस प्रश्न को याद रख लेंगे कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर शहादत खां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के अंतिम, ध्यान समझेंगे, भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। सवाल पूछा गया है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के अंतिम मुगल बादशाह की बात किया जा रहा है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिसर एकेडमी, द ऑफिसर्स एकेडमी के टेलीग्राम्स में मिलेगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी के टेलीग्राम्स में मिलेगा। चलिए सही आंसर करेंगे। भारत के अंतिम मुगल बादशाह, सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो है भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे। आप सभी को पता होगा कि इस बहादुर शाह जफर के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम अबू जफर सिराजुद्दीन था। इनके पूरे नाम की बात किया जाए तो पूरा नाम जो है अबू जफर सिराजुद्दीन था। अबू जफर सिराजुद्दीन, इनका पूरा नाम जो है अबू जफर सिराजुद्दीन बताया जाता है। बहादुर शाह जफर का यह पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। इनका जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। इनके जन्म की बात किया जाए तो आपने पढ़ा होगा, इनके जन्म जो है 1775 में कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था। और आपको बता दें मोटे तौर पे इनका मृत्यु जो है 1862 में म्यांमार के रंगून में हुआ था। तो इनका मृत्यु जो है 1862 में म्यांमार के रंगून में हुआ था, जबकि इनका जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय और माता का नाम लालबाई बताया जाता है। याद रख लेंगे, इनके पिता का नाम जो था अकबर शाह द्वितीय। इनके पिता का नाम की बात किया जाए तो इनके पिता का नाम जो था अकबर शाह द्वितीय था, जबकि याद रख लेंगे इनकी माता का नाम लालबाई था। इनकी माता का नाम की बात किया जाए तो इनकी माता का नाम क्या था, तो लालबाई था। अब मोटे तौर पे आपको मैं बताने का प्रयास करूं, बहादुर शाह जफर यह अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। इसकी पत्नी अशरफ महल, अख्तर महल, जिन्नत महल, ताज महल, इनके पत्नियों का नाम था। अशरफ महल इनकी पत्नी थी, अख्तर महल इन्हीं की पत्नी थी, जिन्नत महल इन्हीं की पत्नी थी, और एक का नाम ताजमहल था। तो मूल रूप से इनकी कुल 4 पत्नियां थी। तो इनकी पत्नियों के बारे में बात किया जाए तो अशरफ महल, अख्तर महल, अच्छा ओके ठीक है, आपकी बातों को मैं सुन लिया हूं, आप टेंशन ना लें। बिल्कुल आपकी बातों को सुन लिया हूं, आप टेंशन न लें, बिल्कुल आपकी बातों को मैं सुन लिया हूं। इनकी पत्नियों का नाम जो है अशरफ महल है, अख्तर महल है, जिन्नत महल है और ताजमहल है। मूल रूप से हम बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। और बता दें कि इनका शासनकाल 1837 से लगाकर 1857 तक रहा था। इनका शासनकाल 1837 से लगाकर 1858 तक रहा था। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मूल रूप से आपको बता दें कि बहादुर शाह जफर द्वितीय यह 1857 के क्रांति का लीडर थे। आप जानते होंगे कि 1857 के क्रांति का यह क्या थे, तो क्रांति के नेता थे। लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि 1857 के क्रांति के नेता तो थे, लेकिन इनकी उम्र उस समय लगभग 80 प्लस पार था। इनका उम्र उस समय 80 प्लस पार था, यानी यह अपने आप में निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे, या किसी प्रकार का निर्णय लेने में अपने आप में सक्षम नहीं थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। आप जानते होंगे 1857 की क्रांति जो 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के बैरकपुर छावनी से यह क्रांति का आगाज हुआ था। आप जानते होंगे कि मोटे तौर पे बहादुर शाह जफर के कमांडर इन चीफ, जिसका नाम बख्त खां था, और रायबरेली से खान अब्दुल गफार खान के साथ एक सैन्य टुकड़ी जो है 11 मई को सुबह सुबह दिल्ली की काश्मीरी गेट से प्रवेश करती है, और यह दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह जफर सोया होता है। और दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह जफर सोया होता है, इसको उठाकर क्या किया जाता है, इन क्रांतिकारियों के द्वारा इसे दिल्ली का राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन बहादुर शाह जफर 80 साल की उम्र में कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं था, इसकी दिमाग काम नहीं कर रहा था, बहुत ओल्ड एज हो चुका था। हिस्टोरियंस बताते हैं बहादुर शाह जफर 2 से 3 महीना दिल्ली का शासक तो रहा, लेकिन इसके बाद यह अंग्रेजों के डर के भय से हुमायूं के मकबरा जो निजामुद्दीन के दिल्ली में है, आप जानते होंगे, तो हुमायूं के मकबरे में अपने सारे परिवार के साथ, अपने पुत्र, अपने पत्नियों के साथ जाकर छिप गया था। आप जानते होंगे हुमायूं के मकबरे से बाहर आने का लगातार अंग्रेजों के द्वारा पुकार किया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा रिक्वेस्ट किया जा रहा था। अंग्रेज कह रहे थे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय आप हुमायूं के मकबरे से बाहर आ जाइए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन हडसन नामक अंग्रेज ने जैसे ही यह हुमायूं के मकबरे से आता है, हडसन नामक अंग्रेज यह जैसे ही हुमायूं मकबरे से निकलता है, हडसन नामक अंग्रेज क्या करता है, इसको धड़ाम से इसके दोनों पुत्रों को ऑन द स्पॉट गोलियों से भून देता है। और उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को उठाकर रंगून में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप जानते होंगे कि 1862 में इनका डेथ रंगून में हो गया था। रंगून के स्क्वायडन, याद रख लेंगे, रंगून के स्क्वायडन में इनके नाम पर एक पार्क भी बनाया गया है, यह भी सवाल आपको याद रखना चाहिए। बहादुर शाह जफर द्वितीय रंगून में मरते मरते कहा गया था कि बदनसीब बादशाह जिसको 2 गज जमीन भारत में दफनाने के लिए नसीब नहीं हुआ था। यह एक बहुत बड़ा गजल और शायरकार भी माने जाते थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इतनी बातें आपको याद रख लेना है, यह सवाल आपके पेपर में हो सकता है। बदनसीब बादशाह जो मरते मरते जिसको भारत में दफनाने के लिए 2 गज जमीन नसीब नहीं हुआ था, ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह थे, उनके पिता का नाम क्या था? अब सवाल पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह, थोड़ी सी तबीयत डिस्टर्ब लग रही है, लगातार जुकाम, सर्दी, अंदर से फीवर जैसे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। बताइएगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह थे, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह थे, इनके पिता का नाम क्या था? सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर करेंगे और थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, तबीयत कल से ही डिस्टर्ब है। और बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है अकबर शाह द्वितीय सही आंसर है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर शाह द्वितीय सभी लोग का राइट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न का आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वजीर गाजीउद्दीन ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को दिल्ली में प्रवेश करने का अनुमति नहीं दिया था? वजीर गाजीउद्दीन की बात किया जा रहा है। वजीर गाजीउद्दीन ने किस मुगल सम्राट को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं दिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आलमगीर द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय है, अकबर द्वितीय है, बहादुर शाह द्वितीय है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 8 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और बहुत सारे छात्रों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, शाह आलम द्वितीय। आप जानते होंगे शाह आलम द्वितीय के बारे में पूछा जाता है अब्दुल्ला जलालुद्दीन के नाम से यह मशहूर था। इसका वास्तविक नाम की बात किया जाए तो इसका वास्तविक नाम जो था आपको बता दें अब्दुल्ला जलालुद्दीन था। इसका वास्तविक नाम जो है अब्दुल्ला जलालुद्दीन बताया जाता है, यह है शाह आलम द्वितीय। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इससे पूछा जाता है और इसका जन्म 1728 में हुआ था और इसका मृत्यु 1806 में हो गया था। तो इसका जन्म जो है आपको बता दें 1728 के आसपास हुआ था, जबकि इसकी मृत्यु जो है 1806 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय आपको पता है कि इलाहाबाद की पहली संधि जो 12 अगस्त 1765 और आपको याद रखना है 16 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय जो है यह आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी के तौर पे भी रहा था। आप सभी लोगों को पता है कि शाह आलम द्वितीय के पिता का नाम आलमगीर द्वितीय और माता का नाम जिन्नत महल था। इसके पिता की बात किया जाए तो इसके पिता का नाम जो है आलमगीर द्वितीय था। इसके पिता का नाम क्या था तो इसके पिता का नाम जो है आलमगीर द्वितीय बताया जाता है, जबकि इसकी माता का नाम जो था जिन्नत महल बताया जाता है। आप सभी लोग शाह आलम द्वितीय के बारे में जानते ही होंगे कि इसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि यह शाह आलम द्वितीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटे तौर पे पेंशन भोगी बन गया था। शाह आलम द्वितीय इसका शासनकाल 1759 से 1806 तक रहा था। इसका शासनकाल की बात किया जाए तो 1759 से लगाकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय का शासनकाल रहा। इसके बारे में बताया जाता है कि यह शाह आलम द्वितीय है, इसने अहमद शाहबदारी से बचने के लिए मराठों को अपना संरक्षक बनाया था। अहमद शाह अब्दारी से बचने के लिए मराठों को अपना संरक्षक बनाया था, याद रख लेंगे। अहमद शाह अब्दारी से बचने के लिए मराठों को अपना संरक्षक बनाया था। मराठों को क्या किया था तो मराठों को अपना संरक्षक बनाया था, यानी याद रख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यस अहमद शाह अब्दाली के अटैक के डर से, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के डर से इसने क्या किया था तो मराठों को अपना संरक्षक बनाया था। और शाह आलम द्वितीय यह ईस्ट इंडिया कंपनी के, याद रख लेंगे, मोटे तौर पे 26 लाख पेंशन भोगी बना था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का, याद रख लेंगे, इलाहाबाद की संधि के तहत जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी के रूप में सेवा दिया था। और आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यह पेंशन भोगी बना था और मोटे तौर पे आपको बता दें 26 लाख रुपया वार्षिक जो है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था पेंशन भोगी के रूप में दिया था। और आपको बता दें कि इसका शासन मोटे तौर पर कहाँ से कहाँ तो दिल्ली से पालम तक रहा था। शाह आलम द्वितीय का शासन जो है मोटे तौर पे कहां से कहां तक रहा था तो दिल्ली से पालम। आपको याद रखना है कि इसका शासनकाल मोटे तौर पे दिल्ली से पालम तक रहा था। शाह आलम द्वितीय के बारे में बात किया जाए तो शाह आलम द्वितीय यह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी के साथ साथ इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी प्रदान किया गया था। इसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी दिया गया था। और मोटे तौर पे यह बहुत ही एक अयोग्य शासक के रूप में सेवा दिया था। तो राइट आंसर जो लोग शाह आलम द्वितीय कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो लोग बी आंसर कर रहे हैं, सभी छात्रों का सही आंसर है। अगला सवाल लेते हैं, किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? सवाल पूछा गया है कि कौन से मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में फर्रुखसियर है, रफी उदरजात है, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है या रफी उदौला है। किस मुगल सम्राट को रंगीला के नाम से जाना जाता है? 9 नंबर सवाल का सही आंसर करेंगे। 9 नंबर सवाल का सही आंसर करेंगे कि किसे रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो रंगीला के नाम से आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग का उत्तर आ रहा है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में सवाल करता है कि इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। इसका वास्तविक नाम की बात किया जाए तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम जो था वो क्या था मेरे भाई? रोशन अख्तर बताया जाता है। यह वही मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जन्म 1702 में और मृत्यु 1748 में हुआ था। इसकी जन्म की बात किया जाए तो इसका जन्म जो है 1702 में और इसका मृत्यु जो है याद रख लेंगे 1748 में हुआ था। यह मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है और आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह का समय 1719 से लेकर 1748 तक रहा था। इसका शासनकाल की बात किया जाए तो इसका शासनकाल 1719 से लगाकर 1748 तक रहा था। यह मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बहुत ही बड़ा क्या अयासबाज शासक था, याद रख लेंगे। इसके साथ साथ नाच गान में इंटरेस्ट रखने वाला शासक था। इसके साथ साथ मदिरा का अधिक सेवन करने वाला शासक था। इसके शासनकाल के दौरान मुगलों की स्थिति चरमरा गई थी। इसके शासनकाल के दौरान मुगलों की स्थिति चरमरा गई थी और यह बहुत ही घटिया टाइप का शासक माना जाता है। इसके पिता का नाम जहांगीर शाह और माता का नाम याद रख लेंगे कसजुदा बेगम बताया जाता है। इसके पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम जहांगीर शाह था। इसके पिता का नाम की बात किया जाए तो यह जहांगीर शाह का लड़का था और इसकी माता कसदीजा बेगम। इसकी माता का नाम पूछा जाए तो इसकी माता का नाम जो है कसदीजा बेगम था। तो यह पिता जहांगीर शाह और कसदीजा बेगम का लड़का था। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह एक बहुत ही घटिया किस्म का शासक था। मुगलों का पतन इसके समय में हो गया था। इसके समय सैयद बंधुओं को पूरी तरह से अंतिम हो गया था। इसके शासनकाल के समय याद रख लेंगे सैयद बंधुओं का अंत हो गया था। इसके समय याद रख लेंगे सवाल पूछा जाता है सैयद बंधुओं क्या हो चुके थे? तो सैयद बंधुओं का अंत हो चुका था। इसके समय में यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हो गया? तो सैयद बंधुओं का अंत हो गया। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के बारे में बात किया जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह ने समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां, अवध में शहादत खां, इन लोगों ने स्वतंत्र जो है रियासत की स्थापना कर दिया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा याद रख लेंगे। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में क्या किया गया? तो स्वतंत्रता का स्वतंत्र घोषित किया गया। किसके द्वारा मेरे भाई? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां जो है इसने क्या किया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को इसी के शासनकाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया। जबकि अवध को शहादत खां ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। जबकि अवध को बात कर रहा है किसने? तो शहादत खान ने। इसी के शासनकाल में अवध को शहादत खान ने क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसी के समय में याद रख लेंगे दक्कन में निजामुल मुल्क ने भी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया था। तो इसी के शासनकाल में दक्कन में किसने मेरे भाई? तो दक्कन में निजामुल मुल्क ने। दक्कन में निजामुल मुल्क ने जो है क्या कर दिया? तो दक्कन में निजामुल मुल्क ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया और अवध में शहादत खां ने स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया। अब मोटे तौर पे आपको पता होगा मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह, इसके शासनकाल में गंगा और दोआब क्षेत्र में रोहिला लोगों ने भी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। गंगा और दोआब क्षेत्र में सवाल पूछा जा सकता है। गंगा और दोआब के क्षेत्र में रोहिला सरदारों ने दोआब के क्षेत्र में क्या किया गया, तो गंगा और दोआब के क्षेत्र में रोहिला सरदारों ने क्या कर दिया, तो रोहिला सरदारों ने स्वतंत्रता घोषित कर दिया। तो अभी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोहिला सरदारों ने क्या कर दिया, तो गंगा और दोआब के क्षेत्र में इसके शासनकाल में रोहिला सरदारों ने अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया था। इसके शासनकाल में बताया जाता है कि 1737 में बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था, 500 घुड़सवार सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया था। 1737 का यह मामला था, याद रख लेंगे। 1737 में रंगीला बादशाह के समय जो है बाजीराव सेकेंड, याद रख लेंगे, बाजीराव जो है बाजीराव द्वितीय ने क्या कर दिया था, तो दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया था। दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया था, आप जानते होंगे। और जब दिल्ली पर चढ़ाई किया तो मोटे तौर पे 500 घुड़सवार सेना लेकर यह चढ़ाई किया था। 500 घुड़सवार सेना के साथ 1737 में बाजीराव द्वितीय ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जो है यह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। लेकिन अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के शासनकाल में 1739 में ईरान का नेपोलियन, आप जानते होंगे ईरान का नेपोलियन कौन था, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह था। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह ने 1739 में इसके शासनकाल के दौरान अटैक किया। और आपको पता होगा करनाल की लड़ाई हुआ था हरियाणा के समीप, और वहीं पर ईरान का नेपोलियन मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह से तख्ते ताउस मयूर सिंहासन को छीन कर लेकर भाग गया था। आप जानते होंगे मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह यही रंगीला बादशाह था। सवाल पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह यही रंगीला बादशाह था। रंगीला बादशाह के शासनकाल में पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, तो जजिया टैक्स को खत्म कर दिया गया था हमेशा हमेशा के लिए। 1748 में इसी के शासनकाल में जजिया कर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था। चलिए, तो राइट आंसर याद रख लेंगे। यहां पे सवाल हो सकता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक की बात किया जाए तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था यह मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था। और आपको मोटे तौर पे बता दें, इसी मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के शासनकाल के दौरान जजिया कर हमेशा के लिए क्या कर दिया गया, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो जजिया कर हमेशा के लिए कब बंद किया गया, किस मुगल शासक के समय में, तो याद रख लेंगे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज चुके हैं और अब बहुत सारे छात्र जुड़ सकते हैं। तो सभी लोग सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ वीडियो को एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि बहुत सारे मेरे भाई बहन, बहुत सारे छात्र आज के वीडियो से जुड़े और इस तरह के शानदार डिस्कशन का और प्रश्नों का आनंद लेते रहें। ऑप्शन में बहादुर शाह प्रथम है, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं है उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आने लगा है कमेंट बॉक्स में। गुरुजी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, बिल्कुल बहादुर शाह प्रथम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब आपको मोटे तौर पे बता दें कि सुल्तान मोहम्मद, मुअज्जम आजम, अकबर द्वितीय, कामबख्श, ध्यान समझेंगे, सुल्तान मोहम्मद, मुअज्जम आजम, अकबर द्वितीय, इसके साथ साथ कामबख्श, यह जो है औरंगजेब के पुत्र हैं। यह सारे लोग जो हैं औरंगजेब के क्या हैं, तो औरंगजेब के पुत्र हैं। यह सारे लोग औरंगजेब के पुत्र हैं, आपको याद रख के चलना है। और इन्हीं को बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है तो बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है। तो औरंगजेब के पुत्रों के बारे में बात किया जाए तो बहादुर शाह प्रथम का नाम आता है, मुअज्जम का नाम आता है, आजम का नाम आता है और बता दे अकबर द्वितीय का नाम आता है और काम बख्श का नाम आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम चूंकि बात कर रहे हैं यहाँ पे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब के बारे में आप जानते होंगे, कल भी मैंने चर्चा किया था कि 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का शासन काल रहा। आपने पढ़ा होगा, मोटे तौर पे मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने पढ़ा होगा कि 1658 में एक बहुत बड़ी अफवाह फैली और आप जानते होंगे यह अफवाह फैला था कि शाहजहां बुरा तरह से बीमार है और औरंगजेब उस समय शाहजहां के शासनकाल के समय, कल के भी चर्चा में मैंने आपको बताया था कि शाहजहां के शासनकाल के समय औरंगजेब उस समय दक्कन में सूबेदार था। मुराद उस समय कहाँ, तो मुराद उस समय आपको बता दें गुजरात में सूबेदार थे। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो है इनके भाई जो है अलग अलग जगहों पे सूबेदारी कर रहे थे। औरंगजेब आया और अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर बंद कर दिया, जहां शाहजहां की मृत्यु जो है 1666 में हो गया था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को हराने के लिए 3-3 लड़ाइयां लड़ा था। 1658 में सबसे पहले धर्मकट का लड़ाई लड़ा था, फिर 1658 में शामूगढ़ की लड़ाई लड़ा था और 1659 में उत्तराधिकार की अंतिम लड़ाई जिसका नाम देवराई घाटी की लड़ाई है। देवराई घाटी की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को हत्या करके उनके शव को 20 दिनों तक हाथियों पर लाद कर दिल्ली में घुमाया था। आपने पढ़ा होगा औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब जो है इसे आलमगीर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब को भारतीय इतिहास में जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के बारे में आप जानते होंगे कि यह सुन्नी मुसलमान धर्म को फॉलो करता था। औरंगजेब के गुरु का नाम जो है मीर मोहम्मद हकीम बताया जाता है। आप जानते होंगे कि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक माना जाता है। औरंगजेब का जन्म 1618 में गुजरात के दोहाद में हुआ था और आप जानते होंगे कि औरंगजेब का विवाह जो है 1632 के आसपास किससे हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा दिलराश बानो बेगम उर्फ रबिया दुर्रानी से हुआ था, जो फारस राजघराने की एक लड़की थी। लेकिन दिलराश बानो बेगम के मृत्यु पर इसने क्या किया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में उनके कब्र के ऊपर बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया, जिसको ताजमहल का फुहर नकाशी कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में आप जानते होंगे 1679 में जजिया कर को इसने पुनः लागू कर दिया था। औरंगजेब के बारे में बात करें तो औरंगजेब का शासनकाल में हिंदू मंदिरों को 1665 में तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसमें बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के जो है केशव राय मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था। आप जानते होंगे औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसने नवरोज त्यौहार मनाना, झरोखा दर्शन करना, भांग की खेती करना, तुलादान प्रथा जैसी सिस्टमों पर बैन लगा दिया था। औरंगजेब के बारे में आपको पता होगा 1666 में इसी औरंगजेब ने क्या किया था, तो जयसिंह से शिवाजी को आगरे के किले के जयपुर भवन में कैद करके रखवा दिया था। यह वही औरंगजेब है जिसने 1685 में याद रख लेंगे बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को जीता था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों का विद्रोह, औरंगजेब के शासनकाल में सिखों का विद्रोह, औरंगजेब के शासनकाल में सतनामियों का विद्रोह शुरू हो गया था। औरंगजेब के बारे में पूछा जाता है कि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण हत्या करवा दिया था। आप जानते होंगे औरंगजेब का डेथ 1707 में हो गया था। इसको वर्तमान समय में खुलदाबाद यानी जो महाराष्ट्र में है, जिसे आजकल रोजा के नाम से जाना जाता है, वहीं पर दफनाया गया है। तो यह तमाम सवाल जो है आपको याद रख के चलना है, यह औरंगजेब से आपको पूछा जा सकता है। और औरंगजेब की एक पुत्री का नाम जेबुनिस्सा था। औरंगजेब की एक पुत्री का नाम की बात किया जाए तो इसकी एक पुत्री का नाम जो है जेबुनिस्सा था, याद रख लेंगे। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, जेबुनिस्सा था। यह भी सवाल पूछा जाता है कि औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था, जेबुनिस्सा था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। अब आपसे पूछा गया है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह का नाम बताना है। ऑप्शन में शाह आलम द्वितीय है, मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह है, बहादुर शाह जफर है, जहांदार शाह है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोग राइट आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी छात्र इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे। बहुत सारे छात्रों का राइट आंसर आ रहा है मोहम्मद शाह। आप जानते होंगे मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह मयूर सिंहासन को इतिहास में क्या, तो मयूर सिंहासन का निर्माण की बात किया जाए तो आपको बताना है मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था और इसको बनाने का काम किसने किया था, तो इसके बनाने का काम जो है मोटे तौर पे जो है बता दें आपको, तो इसको बनाने का काम जो है बेबादल खान ने किया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था और इसके बनाने का काम जो है बेबादल खां के द्वारा किया गया था। मयूर सिंहासन में पहली बार क्या किया गया था, आप जानते होंगे पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी। यह पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी की बात किया जाए तो यह पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी का क्या किया गया है, तो मयूर सिंहासन में पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी का प्रयोग किया गया है। और यह पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी जो है इटली की एक प्रसिद्ध कलाकारी थी। यह कहाँ की, तो इटली की एक प्रसिद्ध कलाकारी थी, आपको याद रखना है। पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी जो है यह इटली की एक प्रसिद्ध कलाकारी मानी जाती है। आपने पढ़ा होगा कि पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी में क्या होता है कि पत्थरों पर नकाशियां काट काट कर उस पे फूल पत्तियों से सजा देना। पत्थरों पर छोटे छोटे नकाशियां काट कर और उस पर क्या करना, फूल पत्तियों से उसमें कलई कर देना, उसको सजा देना, इसे कहा जाता है पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी। ऐसे पितरा दुरा जड़ाऊ कलाकारी का पहला प्रयोग जो है एतमाद उ दौले के मकबरा में किया गया था। मैंने बार बार बता दिया है कि एतमाद उ दौले के मकबरा में पितरा उ दुरा जड़ाऊ कलाकारी का प्रयोग किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि एतमाद उ दौला का मकबरा यानी मिर्जा गयास बेग का मकबरा है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि आगरा में इसे बनाया गया है और इसे जहांगीर के द्वारा बनाया गया है, जो नूरजहां के पिता का मकबरा माना जाता है। तो राइट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह। यह मयूर सिंहासन को कहीं कहीं इतिहास में तख्ते ताउस भी कहा जाता है, इसे कहीं कहीं इतिहास में तख्ते ताउस भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पे आपको याद रख लेना है, एक सवाल और पूछा जा सकता है। जहांगीर शाह, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है इतिहास में। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है इतिहास में, यह भी बात याद रख लेंगे, पूछा जाता है। 12 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था। कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने की बातें किया था। ऑप्शन के हिसाब से बात करें, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, फर्रुखसियर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि बंगाल में क्या किया था, तो कर मुक्त व्यापार की बात किया गया था किसके द्वारा। तो सभी लोग का राइट उत्तर आने लगा है ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग फर्रुखसियर आंसर कर रहे हैं। सभी छात्रों का बिल्कुल सही आंसर जो है फर्रुखसियर हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि 1685 में इसका जन्म हुआ था और 1719 में मर गया था। इसका जन्म की बात किया जाए तो 1685 में और इसका मृत्यु की बात किया जाए तो इसका मृत्यु जो है 1719 में हो गया था। यह फर्रुखसियर जो है सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता में आया था। आपने पढ़ा होगा सैयद बंधुओं के सहयोग से यह क्या किया था, तो सैयद बंधुओं के सहयोग से यह व्यक्ति सत्ता में आया था। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि यह सैयद बंधु के सहयोग से यह क्या किया था तो सत्ता में आया था। फर्रुखसियर के बारे में बात किया जाए तो जहान शाह और कुशदिया बेगम इसके पिता और माता थे। इसके पिता की बात किया जाए तो इसके पिता जहान शाह थे और इसकी माता जो थी वह कुशदिया बेगम थी। फर्रुखसियर को भारतीय इतिहास में घृणित कायर कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि इसको क्या कहा जाता है तो भारतीय इतिहास में फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है। यह भी सवाल आपके पेपर के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार यह सवाल एग्जामों में पूछ लेता है कि किसे घृणित कायर कहा जाता है। आपके पेपर में बता दें कि इसके पिता का नाम कहीं के इतिहास में अजीमुशान बताया जाता है और साहिब निस्वान, तो कहीं कहीं अजीमुशान भी नाम आता है। तो इनके पिता का नाम जो है कहीं के इतिहास में याद रख लेंगे, अजीमुशान भी बताया जाता है। आप जानते होंगे फर्रुखसियर के बारे में पेपर में सवाल पूछा जाता है कि यह वही फर्रुखसियर है जिसने क्या किया था तो अब्दुल्ला खां को अपना वजीर का पद दिया था और कुतुलुब ए मुल्क की उपाधि दिया था। इसने अब्दुल्ला खां को क्या किया था तो इसने अब्दुल्ला खां को वजीर के पद पर बैठाया था और वजीर का पद दिया और कुतुबुल उल मुल्क की उपाधि दिया, कुतुबुल उल मुल्क का उपाधि दिया। तो बहुत शानदार प्रश्न है, याद रख के चलना चाहिए। इसने क्या किया, अब्दुल्ला खां को जो है वजीर के पद पर बैठाया और इसने उनको कुतुबुल उल मुल्क का टाइटल दिया था। फर्रुखसियर के बारे में बात करें तो फर्रुखसियर ने मोटे तौर पर क्या किया, अली खां को मीर वक्सी बनाया और उसे अमीर उल उमरा की उपाधि दिया। इसने अली खां को मीर वक्सी का पद दिया और याद रख लेंगे अमीर उल उमरा की उपाधि दिया। अमीर उल उमरा की क्या किया, इसने टाइटल दिया था। तो मोटे तौर पे इसने जो है इन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि से नवाजा अली खां को और इनको जो है मीर वक्सी का पद दिया था। आपको पता होना चाहिए कि गद्दी पर बैठने के बाद इसने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दिया और उसके पिता असद खां को कैदी बना लिया था। गद्दी पर बैठने के बाद इसने क्या किया तो आप सभी लोग पढ़े होंगे जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां की इसने क्या किया तो जुल्फिकार खां की इसने हत्या कर दिया और मोटे तौर पर इसके पिता असद खां को कैद कर लिया। तो जुल्फिकार खां की हत्या किया और इसके पिता असद खां को इसने क्या कर लिया तो असद खां को कैद कर लिया था। यह काम किया था फर्रुखसियर, आप लोगों को पता होगा इस तरह का यह काम करता था। फर्रुखसियर के शासनकाल की बात किया जाए तो इसने सिख नेता बंदा शाह को बंदी बना लिया और बंदा बहादुर को फांसी की सजा भी दे दिया था। आप जानते होंगे सिख नेता बंदा बहादुर को इसने क्या किया, बंदा बहादुर को इसने फांसी की सजा दे दिया। सिख नेता बंदा बहादुर को इसी फर्रुखसियर ने फांसी की सजा दे दिया था। आपको पता होगा बंदा बहादुर यह सिख नेता था और यह गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है सिख नेता बने थे। आपको याद रखना है यह गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है यह सिख नेता बने थे। आपके पेपर में पूछा जाता है और यह वही फर्रुखसियर था जिसने 1717 में क्या किया था तो अंग्रेजों को 3000 रुपया लेकर, अंग्रेजों को कितने हजार तो 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर, 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर 1717 में इसने क्या किया फरमान जारी कर दिया और अंग्रेजों को कहा था कि पूरे बंगाल में आप जो है 3000 रुपया वार्षिक कर देकर पूरे बंगाल में आप कर मुक्त क्षेत्रों पर व्यापार कर सकते हैं। एक समय की ऐसी घटना थी, आपको बता दें कि फर्रुखसियर को गंभीर बीमारी से ग्रसित था, इसके इलाज संभव नहीं थी, यह लाइलाज स्थिति में चला गया था। सारे हकीम डॉक्टर वैद्य इसके इलाज से थक गए थे। पता नहीं वो कैसा फोड़ा हो गया था, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन जॉन सुरमन के नेतृत्व में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर आया। जॉन सुरमन के नेतृत्व में सुन लेंगे हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर आया था और उसके साथ ख्वाजा सेहत भी आया था जो द्विभाषीय था। द्विभाषीय इसलिए लेकर उसलो आया था कि यह फर्रुखसियर चूंकि फारसी भाषा में बात करता और वो अंग्रेज थे, अंग्रेजी भाषा में करते, इसीलिए जो द्विभाषीय था वो सब भाषाओं को जानता था। फर्रुखसियर की इलाज किया गया। जॉन सुरमन के नेतृत्व में हैमिल्टन नामक अंग्रेज ने इनका इलाज किया और ठीक कर दिया। उसी पर खुश हो गया फर्रुखसियर और इसने कहा कि आप लोग कोई तकलीफ तो नहीं है। उस सब कहा तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है, तो बोलिए ना क्या तकलीफ है आप लोग की, क्या सेवा करें। आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपने मुझे वरदान दिया है, मुझे बचाया है। सारा हकीम डॉक्टर वैद हमारा इलाज नहीं कर पाया था। उसने कहा कि सुनिए ना, बंगाल में हमको व्यापार करने दे। कहा ठीक है जाइए ना, 3000 रुपया दीजिए ना, 3000 रुपया आ जाइए, पूरा बंगाल में मज़ा लूटते रहिए, एकदम टैक्स फ्री व्यापार कीजिए। 1717 में यह शाही फरमान जारी कर दिया था फर्रुखसियारवा, जाना को घृणित कायर कहा जाता है। अजबे आदमी था, पता नहीं कैसा आदमी था। जैसे नदिया बिछे नैया डोले वैसे ही बीपीएससी डोले, वैसे ही दरोगा डोले। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोहिला प्रमुख अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। अब सवाल पूछा गया है कि कौन सा रोहिला प्रमुख जो है यह अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र माना जाता है। ऑप्शन दिखाते हैं गुलाम कादिर रोहिला, नजीब खां, अली मोहम्मद खां, हाफिज रहमत खां, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 13 का राइट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर सवाल बड़ी शानदार सवाल है और इस 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी बातें हैं, सभी लोग 13 का सही आंसर करेंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं नजीब खां, सबका आंसर सही है। देखिए मेरी तबीयत बहुत डिस्टर्ब है, मैंने अभी शुरू में ही आप लोगों से कहा है कि गला में बहुत ज़्यादा जो है दर्द है इस गले में, और जुकाम है, सर्दी है, खांसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल से ही तबीयत डिस्टर्ब है, तो आप लोग कॉपरेट करेंगे, मैनेज करेंगे और हो सके तो अच्छे से वीडियो को थोड़ा सा शेयर वेयर भी करते चलेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई की बात कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि पानीपत में 3 लड़ाइयां जो हुआ था, तो हम पहले बात करें पानीपत का तृतीय लड़ाई के बाद। यह पानीपत का तृतीय लड़ाई जो हुआ था आप जानते होंगे 14 जनवरी 1761 को हुआ था, और इस समय बालाजी बाजीराव का शासन था। बालाजी बाजीराव जो 1740 से लेकर 1761 तक जो है क्या रहा था, पेशवा के रूप में सेवा दिया था। आप जानते होंगे पानीपत की तृतीय लड़ाई में मोटे तौर पे इसमें पहली बार किसको किसको भेजा गया था, तो इसको इसमें पहली बार दत्तोजी सिंधिया, इसमें पहली बार दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर को भेजा गया था। दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर को पहली बार भेजा गया। अब देखिए ध्यान से, दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर को पहली बार भेजा गया, लेकिन ये दोनों लोग जो हैं क्या हुए, युद्ध स्थल से भाग आए। यह दोनों लोग जो है क्या होते हैं, युद्ध स्थल से भाग आते हैं। अब मोटे तौर पे आपको बता दें यह दोनों लोग युद्ध स्थल से भाग आते हैं, यानी दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर यह दोनों लोग जो है युद्ध स्थल से भाग आते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, तो इसके बाद बालाजी बाजीराव ने अपने 2 पुत्रों को भेजा। आप जानते होंगे इसके बाद बालाजी बाजीराव ने क्या किया, तो 2 पुत्रों को भेजा, और इनके 2 पुत्रों में आप जानते होंगे नाम क्या था, तो दोनों पुत्रों का नाम आपको याद रखना है, सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाव को भेजा आपको पता होगा, और विश्वास राव को भेजा। आप जानते होंगे कि यह दोनों पुत्र जो है युद्ध स्थल में जाते हैं और मारे जाते हैं। यह दोनों पुत्र सदाशिवराव भाव और विश्वास राव, यह दोनों पुत्र जो है युद्ध स्थल में जाते हैं और मारे जाते हैं। और मारे जाने के बाद आप लोग को पता होगा कि मोटे तौर पे यह सवाल पूछा जाता है कि इस बात की सूचना जो है एक जौहरी लेकर आता है। इस बात की सूचना जो है, एक जौहरी जो है यह किसके पास लेकर आता है, तो बाजीराव के पास जो है इन दोनों लड़कियों के मारे जाने की सूचना लेकर आता है। वह अपने सांकेतिक भाषा में कहता है कि 100 मोती टूट गए, बहुत सारे तांबे और चांदी के पैबंद नहीं लगाए जा सकते हैं। यानी इस जौहरी ने यह बात स्पष्ट रूप से कहा कि 100 मोती टूट गए, बचे हुए तांबे और चांदी के पैबंद नहीं लगाए जा सकते। यानी कहने का अर्थ जो है, आपके दोनों लड़के युद्ध स्थल में मारे गए और जो लोग बचे हुए हैं वो अब उनमें हिम्मत नहीं है कि वह जो है अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे आपको पता होगा कि यह लड़ाई बहुत ही खतरनाक लड़ाई था। और आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जे.एन. सरकार, आप जानते होंगे जे.एन. सरकार एक हिस्टोरियन है। जे.एन. सरकार जो है एक इतिहासकार है और बाजीराव द्वितीय के समय में यह लड़ाई लड़ा गया था। महाराजी बाजीराव द्वितीय इस समय पेशवा के रूप में सेवा दे रहा था। आपको पता है जे.एन. सरकार जो है एक इतिहासकार हैं। इन कहते हैं कि ऐसा मराठा का कोई घर नहीं होगा जिसमें पानीपत की तृतीय लड़ाई में एक या एक से अधिक योग्यतम मराठा न मारा गया होगा। इतना डेंजर लेवल का यह लड़ाई था कि जे.एन. सरकार ने यह कहा था कि ऐसा महाराष्ट्र का कोई मराठी घर नहीं होगा जिस घर से एक या एक से अधिक योग्यतम मराठे न मारे गए हो। यह बात की पुष्टि जे.एन. सरकार ने किया था। तो याद रख लेंगे। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठियों के बीच जो है यह लड़ाई लड़ा गया था। पानीपत का पहला लड़ाई आपने समझ लिया है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा लड़ाई आप जानते होंगे 1556 में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। यह सारी बातें आपको याद रख के चलना है। निम्नलिखित में से किस मराठा महिला ने 1700 ईस्वी से मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया था? किस मराठा महिला ने 1700 ईस्वी से मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है युद्ध का संघर्ष किया था? अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई, रुक्मिणीबाई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 15 का राइट आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में। 15 का राइट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत सारे छात्रों का आ रहा है, ताराबाई सही आंसर है। आप जानते होंगे कि शिवाजी के 2 पुत्र थे। आपने पढ़ा होगा, शिवाजी के 2 पुत्र थे। एक का नाम जो है संभाजी था और एक का नाम जो है राजा राम था। और इस राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। और ताराबाई महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सत्ता चला रही थी। सत्ता का यह क्या कर रही थी, संचालन कर रही थी। ताराबाई का शासनकाल की बात किया जाए तो आपको बता दें, यह 1700 से लगाकर 1707 तक यह शासन की। राजा राम की मृत्यु आपको बता दें 1700 में हो गया था। राजा राम का डेथ जो है यह 1700 में हो गया था। और ताराबाई ऐसी लेडी थी जो आपको बता दें, इन्होंने 1700 से लेकर 1707 तक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से इन्होंने सत्ता का संचालन किया था। ताराबाई के बारे में बात करें तो ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय लड़का, आप जानते होंगे कि इसने अपने 4 वर्षीय लड़का, जिसका नाम क्या था तो शिवाजी द्वितीय तृतीय बताया जाता है, उसके साथ इन्होंने सत्ता का संचालन किया था। ताराबाई का 4 वर्षीय लड़का था, आप जानते होंगे, और 4 वर्षीय लड़का जिसका नाम शिवाजी तृतीय था, इसकी वास्तविक संरक्षिका बनी थी। यानी संरक्षिका का मतलब होता है कि कहने का भले यह राजा था, 4 वर्ष का लड़का क्या राजा बनेगा, 4 वर्ष का लड़का क्या राजपाट देखेगा, आपको ही पता है। तो इस पर इसकी माता का संरक्षण प्राप्त था। ताराबाई ऐसी लेडी थी जिसके बारे में बता दें, ताराबाई ऐसी लेडी थी जिसके बारे में आपको बता दें कि इसने औरंगजेब को भी छक्के छुड़ा दिया था। इसने औरंगजेब से तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ भी लड़ा था। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ताराबाई और औरंगजेब से लगातार संघर्ष जारी था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर ताराबाई हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? अब पूछा गया है औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सही आंसर करेंगे, औरंगजेब के मृत्यु के समय पूछा गया है मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। सभी लोग राइट आंसर करेंगे, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था। तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को सुव्यवस्थित किया? अब पूछा जा रहा है कि संभाजी के बाद जो है मराठा प्रशासन को किसने सुव्यवस्थित किया था। ऑप्शन में राजा राम है, बालाजी विश्वनाथ है, गंगाबाई है, नानाजी देशमुख है। सही आंसर करेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल चल रहा है, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग राइट उत्तर करेंगे, 17 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर राजा राम हो जाएगा। और आपको बता दें, शिवाजी के बारे में मोटे तौर पे प्रश्न उठा सकता है कि शिवाजी के बड़े पुत्र जो हैं यह कौन थे, तो आप जानते होंगे संभाजी थे। और इनके दूसरी पत्नी का लड़का जो थे यह राजा राम थे। इनके दूसरी पत्नी का लड़का जो थे यह कौन थे, तो राजा राम थे। तो मोटे तौर पे संभाजी, और संभाजी की पत्नी का नाम जो है आप जानते होंगे यशुबाई था। संभाजी की पत्नी का नाम जो है यशुबाई था, याद रख लेंगे। और मोटे तौर पे इन दोनों को औरंगजेब ने क्या कर लिया था, तो इन दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। इन दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, यह बात याद रख लेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजा राम हो जाएगा। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद ने राज्य मामलों का निर्वहन में मदद किया था। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद की बात किया जा रहा है जो राज्य मामलों में निर्वहन किया था। हर्षवर्धन, समुद्रगुप्ता, शिवाजी, यशोवर्मन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, सभी लोग सही आंसर करेंगे, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर करेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में क्या आ जाएगा? बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का गलत उत्तर आ रहा है। शिवाजी की बात किया जाए तो आपको मैंने कल भी बताया था, इनका जन्म जो है 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र में है। इनके बारे में मैंने बताया था कि इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके पिता का नाम जो है शाहजी भोसले, आपको याद रखना है कि इनके पिता का नाम शाहजी भोसले। और इनकी माता की बात किया जाए तो इनकी माता का नाम जो है जीजाबाई, तुकाबाई और नरसाबाई बताया जाता है। शिवाजी के जीवन, शिवाजी के गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु का नाम का बात किया जाए तो दादा कोंडदेव थे। इनके गुरु जो थे वो दादा कोंडदेव थे। जबकि शिवाजी के अध्यात्म गुरु की बात किया जाए तो शिवाजी के अध्यात्म गुरु रामदास थे। शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव किसका पड़ा? तो जीवन पर गहरा प्रभाव की बात किया जाए तो शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव इनकी माता याद रख लेंगे जीजाबाई और कुंडदेव, दादा कुंडदेव का पड़ा। जीजाबाई और इनकी माता जीजाबाई और दादा कुंडदेव का जो है इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। सवाल पूछा जाता है शिवाजी के बारे में कि इनकी शादी के बारे में बात किया जाए तो शिवाजी की शादी जो है आपको याद रख के चलना है 1640 में हुआ था साईबाई निबलांकर। इनकी पत्नी का नाम जो है साईबाई निबलांकर था, शिवाजी की पत्नी का नाम। जबकि शिवाजी ने 1640 के बाद 1644 में इन्होंने पहला अटैक तोरण नामक पहाड़ी किले पर किया था। तोरण नामक पहाड़ी किले पर शिवाजी ने अपना पहला आक्रमण किया और वहां पे एक क्या हो गए तो विजयी हुए थे। शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं तो सुनिएगा कुछ और प्रश्न है। शिवाजी ने 1656 में रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया। रायगढ़ को इन्होंने 1656 में अपना राजधानी यानी कैपिटल घोषित किया। जबकि बता दूं 1656 के बाद शिवाजी ने 1664 एवं 1670 में क्या किया, सूरत को दो बार लूटा। सूरत को कितने बार? दो बार लूटने का प्रयास किया था शिवाजी ने। जबकि 1672 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से पन्हाला दुर्ग छीन लिया था। 1672 में बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने क्या किया, पन्हाला दुर्ग को छीन लिया। पन्हाला दुर्ग को छीन लिया था, याद रख लेंगे 1672 में। जबकि 1665 में शिवाजी ने क्या किया तो 1665 में राजा जयसिंह के सहयोग से पुरंदर की संधि हुआ था। औरंगजेब ने शिवाजी के साथ राजा जयसिंह के सहयोग से पुरंदर की संधि हुआ था और पुरंदर की संधि में आपको पता होगा कुल मराठों की 33 किले थे, जिसमें से आपको पता होना चाहिए मराठों के कुल 35 किले थे, 35 और 35 किलों में से 23 किला जो है यह मुगलों को देना पड़ा था, मराठों ने दिया था। 1666 में आगरे के जयपुर भवन में क्या कर लिया गया था तो 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने आगरे के जयपुर भवन में कैद करवा लिया था। लेकिन वहां से यह जो है किसी तरह जो है यह बचकर शिवाजी निकल गए थे। सवाल पूछा जाता है शिवाजी के बारे में कि 1674 में शिवाजी ने क्या किया, अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में किससे करवाया तो प्रसिद्ध गंगा भट्ट से करवाया। यह गंगा भट्ट जो है यह वाराणसी के प्रसिद्ध जाने माने पंडित थे। इन्हीं से इन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक कराया था। जबकि शिवाजी की मृत्यु जो है यह 1680 में शिवाजी का डेथ हो गया था। आप जानते होंगे कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान के नाम से जाना गया है। अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद जो होता था वो पेशवा का होता था। जबकि उसके बाद सुमंत का पद जो होता था विदेशी मामलों को देखता था। पंडिता राव का जो पद होता था वह धार्मिक कार्यों को देखता था। उसमें शरी नौबत का जो पद होता था वो सेनाओं को देखता था। उसमें आपको बता दें न्यायाधीश का पद होता था जो न्याय मामलों को देखता था। वाक्यानवीस का पद जो होता था वह क्या करता था तो वह जो है मुख्य रूप से वाक्यानवीस गुप्तचरों को देखता था। और चिटनीस का जो पद होता था वह पत्रचार और शाही विभाग को देखता था। तो यह शिवाजी राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल के दौरान विदेश मंत्री के रूप में किसे जाना जाता था? सवाल पूछा गया है कि शिवाजी के शासनकाल के दौरान जो विदेशी मामलों को देखा करता था वह कौन होता था? अब देखिएगा, सुमंत होता था, अमात्य होता था, शरे नौबत, सचिव या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो शिवाजी के शासनकाल के दौरान पूछा गया है विदेशी मामलों को जो देखता था वह कौन होता था। और राइट आंसर करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। जो लोग सुमंत विभाग कर रहे हैं सबका सही आंसर है। अमात्य जो होता था यह सैनिक पदों के लिए जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? अब पूछा गया है कि शिवाजी के गुरु की बात किया जा रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन में रामदास है, तुकाराम है, वामन पंडित है, गंगा भट्ट है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि शिवाजी के दो गुरु थे। एक गुरु का नाम जो है दादा कोंडदेव था, एक गुरु का नाम जो है दादा कोंडदेव था। और दादा कोंडदेव और उनकी माता जीजाबाई का सबसे गहरा प्रभाव जो है शिवाजी के जीवन पर पड़ा था। जबकि शिवाजी के एक दूसरे गुरु थे जो समर्थ गुरु थे, उनका नाम दादा रामदास था। उनका नाम क्या था? रामदास था। तो राइट आंसर जो है रामदास जो लोग कर रहे हैं सही आंसर है। तुकाराम जो है यह महाराष्ट्र के बहुत जाने माने महाराष्ट्र संत बताए जाते हैं। वामन पंडित नहीं है, गंगा भट्ट पंडित है। गंगा भट्ट पंडित जो है इन्होंने क्या किया था तो इनको मोटे तौर पे जो है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में कराया था। तो यहाँ पे याद रख लेंगे या गंगा भट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सिख साम्राज्य का अंतिम राजा, 21 नंबर सवाल पूछा गया है कि सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रंजीत सिंह, शेर सिंह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सिख साम्राज्य का अंतिम राजा की बात किया जा रहा है कि सिख साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था। 21 नंबर प्रश्न चल रहा है और 21 का सही आंसर करेंगे। सही आंसर करेंगे सिख साम्राज्य का अंतिम राजा। बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है दलीप सिंह। दलीप सिंह की जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 1838 में हुआ था, लाहौर में हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनका मृत्यु जो है 1893 में पेरिस में हुआ था। इनके पिता रंजीत सिंह थे। इनके पिता का नाम की बात किया जाए तो इनके पिता का नाम जो है रणजीत सिंह था। आप जानते होंगे कि यह राजा दलीप सिंह जो रणजीत सिंह के लड़के बताए जाते हैं, इनके बारे में सवाल अक्सर पूछा जाता है कि दिलीप सिंह की सरकार प्रथम सिख युद्ध में शामिल थी जबकि वो हार गई थी। प्रथम सिख युद्ध में जो है दिलीप सिंह की सरकार शामिल थी। जब प्रथम सिख युद्ध हुआ था दिलीप सिंह की सरकार क्या थी? तो प्रथम सिख युद्ध में दिलीप सिंह की सरकार मोटे तौर पर क्या थी? शामिल थी। उसके बावजूद भी जो है प्रथम सिख युद्ध इन लोगों ने हार गया था। प्रथम सिख युद्ध जो है अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा दलीप सिंह। रंजीत सिंह की राजधानी की बात किया जाए तो रंजीत सिंह की राजधानी जो है यह लाहौर में था। रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कैपिटल की बात किया जाए तो रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाया था। दलीप सिंह की बात किया तो दलीप सिंह जो है यह पेरिस फ्रांस में भी अपने बहुत सारे बातों को फ्रांस सरकार से मनवाने के लिए गए थे, लेकिन फ्रांस सरकार ने इनकी बातों की वैल्यू नहीं किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? बड़ा शानदार प्रश्न है और ऐसा प्रश्न आपको याद रखना है। सही आंसर करेंगे। बहुत सारे छात्र जो है आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मैं उन छात्रों से एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग आपस में बातचीत नहीं करें, सेशन का आनंद लें। यह सेशन आपके लिए लाया गया है। यह सेशन एक रिवीजन सेशन है। जब आप ही सपोर्ट हमें नहीं करेंगे तो फिर हम किन छात्रों से सपोर्ट का उम्मीद रखेंगे? तो मैं उन तमाम छात्रों से एक बार दिल से आग्रह करता हूं, आपसे मोहब्बत है, आपसे बहुत प्यार है कि प्लीज़ आप लोग पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ने दीजिए। बेफजूल की बातें बीच बीच में नहीं कीजिए, यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। आप एक अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप इतनी छोटी सोच रखते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ झगड़ा करते हैं, यह गलत है। शांति का माहौल बनाए रखिए और पढ़ने में मन लगाइए, क्योंकि दरोगा के बाद अब बीपीएससी में आपका भाग्य सुनिश्चित करने का समय आ गया है। तो प्लीज़ अब बीपीएससी में अपने भाग्य को सुनिश्चित कीजिए और बेहतर तैयारी करके 8 मई को परीक्षा हॉल में जाइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर लक्ष्मण दास हो जाएगा। अब देखिए बंदा बहादुर की बात किया जा रहा है। यह बंदा बहादुर आप जानते होंगे कि अन्य नाम बंदा सिंह बहादुर, लक्ष्मण दास, इनके अन्य नाम की बात किया जाए, इनका अन्य नाम बंदा सिंह बहादुर, लक्ष्मण दास, लक्ष्मण देव। मोटे तौर पे इनका जो नाम है, इस नामों को आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कहीं कहीं माधो दास भी इन्हीं का नाम मिलता है, कहीं कहीं पूछा जाता है माधो दास। तो बंदा बहादुर के बारे में बात कर रहे हैं तो बंदा बहादुर का नाम बंदा सिंह बहादुर, लक्ष्मण दास, लक्ष्मण देव और माधो दास, यह सारा नाम जो है बंदा सिंह बहादुर का है, आपको याद रख के चलना है। इनका जन्म 1670 में हुआ था और मृत्यु 1716 में हो गया था। तो इनकी जन्म जो है 1670 में हुआ था और इनका मृत्यु जो है वह 1716 में हो गया था। बंजाबाद बहादुर यह जाने जाते हैं, आप सभी को पता होगा। और इनका शासनकाल जो है 1708 से लेकर 1716 तक मात्र रहा था। इनकी शासनकाल की बात किया जाए तो 1708 से लगाकर 1716 तक। और इनका संतान जो है अजय सिंह थे, इनके एक पुत्र ही थे जिनका नाम अजय सिंह था। बंजाबाज बहादुर की बात किया जाए तो इनका क्या किया गया था? तो इनको फांसी की सजा पर जो है लटका दिया था फर्रुखसियर ने। इनको फांसी की सजा जो है फर्रुखसियर ने दे दिया था। तो बंदाबाद बहादुर को जो है फांसी की सजा फर्रुखसियर के द्वारा दे दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि बंदाबाज बहादुर को जो है फांसी की सजा जो है फर्रुखसियर ने दे दिया था और भारत के मुगलों शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला पहला सिख सैन्य नेता थे। भारत में मुगलों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ने वाला पहला सिख नेता थे भारत में, याद रख लेंगे। मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला पहला सैन्य सिख नेता, पहला सैन्य सिख नेता की बात किया जाए तो भारत में मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला पहला सैन्य सिख नेता जो है बंजाबाज बहादुर थे। इन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का और मुहरे जारी किया था। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का एवं मोहर जारी किया था, सिक्का एवं मोहरे जारी किया था। तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वीवीआई सवाल है। बंजाबाज बहादुर, या बंजाबाज बहादुर पहला ऐसा व्यक्ति थे, सिख नेता थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ने का पहला प्रयास किया था। बंजाबाज बहादुर के बारे में बात करें तो इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इन्होंने पहली बार सिक्के और मोहरे चलवाया था। बंजाबाज बहादुर का जन्म 1617 में और मृत्यु 1716 में हो गया था। इनको लक्ष्मण दास, बंदा सिंह बहादुर, लक्ष्मण देव और माधो दास के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल लेते हैं, 23 नंबर का सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है? एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा की बात किया जा रहा है कि एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा जो है यह कहां पर स्थित है? सही आंसर करेंगे। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन रूपकुंड, हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सिख गुरुद्वारा स्थित है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है हेमकुंड। यह हेमकुंड जो जगह है यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 4632 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह हेमकुंड जो गुरुद्वारा है यह उत्तराखंड के चमोली जिले में, आपको याद रखना है चमोली जिले में 4632 मीटर ऊंचाई पर जो है यह स्थित है। और यह हेमकुंड की बात किया जाए तो यह भारत का सबसे पवित्र और कठिन गुरुद्वारा माना जाता है। यह जो है याद रख लेंगे भारत का सबसे पवित्र एवं यह भारत का सबसे पवित्र एवं कठिन गुरुद्वारा माना जाता है। तो यह भारत के सबसे पवित्र और कठिन गुरुद्वारा माना जाता है। इसकी बात किया जा रहा है हेमकुंड के बारे में और इसका वर्णन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 10वें ग्रंथ में किया गया है। इसका वर्णन की बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है, गुरु गोविंद सिंह ने इसका वर्णन अपने 10वें ग्रंथ में किया है, अपने 10वें ग्रंथ में किया है। तो यह फैक्ट्स याद रख लेंगे कि हेमकुंड यह जो है मोटे तौर पे आप लोग को पता होना चाहिए कि यह हेमकुंड जो जगह है यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 4632 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। हेमकुंड भारत के गुरुद्वारों में सबसे पवित्र और सबसे कठिन गुरुद्वारा माना जाता है। हेमकुंड के बारे में जानकारी आप सभी को बता दें कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ 10वें ग्रंथ में, गुरु गोविंद सिंह ने अपने 10वें ग्रंथ में इस बात की जानकारी दिया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को आश्रय और धन देकर मदद किया था? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को आश्रय और धन देकर मदद किया था? सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी छात्र इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? बिल्कुल बहुत अच्छा, कुछ लोग का राइट आंसर आने लगा है। अर्जुन देव, कुछ लोग अर्जुन देव आंसर कर रहे हैं। तो सही आंसर जो है अर्जुन देव है। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजकुमार खुसरो यह आपको बता दें जहांगीर का लड़का था। यह जो है राजकुमार खुसरो आप जानते होंगे यह जहांगीर का लड़का था। आप जानते होंगे 1605 के आसपास, 1605 के आसपास आपने पढ़ा होगा खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और आप जानते होंगे कि जहांगीर का शासनकाल जो है यह 1605 से लगाकर 1627 तक रहा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लगाकर 1627 तक रहा। और आपको बता दें कि यहां लड़ाई जो है भैरावल के निकट पंजाब में, यह जगह है भैरावल जो जगह कहां है पंजाब के निकट हुआ। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच 1605 में इसने क्या किया था, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और यह लड़ाई जो है पंजाब के भैरावल के निकट हुआ था। जहांगीर की सेना ने खुसरो को पकड़कर कैद कर लिया और जहांगीर के पास लाया, और जहांगीर ने क्या किया, खुसरो की दोनों आंखें निकलवा दी। जहांगीर ने क्या किया, याद रख लेंगे, जहांगीर ने खुसरो की दोनों आंखें निकलवा दी। जहांगीर ने खुसरो की दोनों आंखें, याद रख लेंगे, निकलवा दिया। तो जहांगीर ने अपने ही पुत्र खुसरो की दोनों आंखें फुड़वा दिया। याद रख लेंगे, बहुत शानदार प्रश्न हो सकता है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि इसी के कारण जो है जहांगीर ने खुसरो के सपोर्ट करने के कारण क्या किया था, तो जहांगीर ने इस सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हद भी कर दिया था, हत्या भी करवा दिया था या वध भी कर दिया था। जहांगीर पे बात करें, 1605 से लगाकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा। आप जानते होंगे जहांगीर को भारतीय इतिहास में न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। यह न्याय की जंजीर आगरा के शाहबुर्ज में यमुना नदी के बाहिने तट पर बनाया गया था, जो एक सोने का जंजीर था। जहांगीर शब्द का अर्थ होता है विश्व विजेता। जो व्यक्ति विश्व पर राज करता है उसे जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर का वास्तविक नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। आप जानते होंगे जहांगीर का वास्तविक नाम जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, जबकि आपको पता होगा कि जहांगीर को मोटे तौर पे क्या कहा जाता था, तो जहांगीर को सलीम के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम के नाम पर इनका नाम जहांगीर रखा गया था। इनका बचपन का नाम शेखू बाबा भी था। भारतीय इतिहास में जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके माता का नाम हरखाबाई या उन्हें ही मरियम उजमानी कहा जाता है। जहांगीर के पिता अकबर और इनकी माता हरखाबाई यानी मरियम उजमानी के गर्भ से यह पैदा हुए थे। जहांगीर के शासनकाल के बारे में आपको पता है कि इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी इनके टाइम में चित्रकारी अपने क्लाइमेक्स पर थी। जहांगीर के बारे में बताया जाता है कि जहांगीर ने मोटे तौर पे अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने प्रथम विवाह जो अपना किया था, यह आमेर के राजा भगवान दास की लड़की मन्नाबाई से किया था। जहांगीर ने अपना पहला विवाह जो है आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मन्नाबाई से किया था, आप सभी लोग जानते होंगे। जबकि इन्होंने अपना दूसरा विवाह जो है जगत गोसाई से किया था, जो मेवाड़ के राजा, याद रख लेंगे, मेवाड़ के राजा की लड़की जगत गोसाई थी। आप जानते होंगे जहांगीर के बारे में अक्सर पेपर में सवाल पूछा जाता है कि जहांगीर के 5 पुत्र थे। आप जानते होंगे खुसरो नाम था, परवेज नाम था, जहांदार नाम था, शहरयार नाम था और खुर्रम नाम था। जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। खुसरो नाम था, जहांदार नाम था, शहरयार नाम था, परवेज नाम था और खुर्रम नाम था। जहांगीर के बारे में आप जानते होंगे कि मूल रूप से जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। आप मोटे तौर पे जानते होंगे कि जहांगीर अपने शासनकाल के दौरान 1614 में राजकुमार खुर्रम ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया था। और जहांगीर के शासनकाल में 1622 में कंधार हमेशा से मुगलों के हाथ से निकल गया था। 1622 में कंधार हमेशा मुगलों के हाथों से निकल गया था। आप जानते होंगे जहांगीर के शासनकाल की बात किया जाए तो 1607 के आसपास जहांगीर ने पहली बार मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां को नवरोज त्यौहार के अवसर पर देखा था। और आप जानते होंगे 1611 में मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां से इसने निकाह कर लिया था। आप सभी को पता है कि नूरजहां उर्फ मेहरुनिसा यह मिर्जा गयास बेग की लड़की और आप जानते होंगे असमत बेगम की पुत्री थी। यह ईरान की निवासी थी और जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्रदान किया गया था। आपने पढ़ा होगा कि जहांगीर के जो ससुर मिर्जा गयास बेग थे, उनको जहांगीर ने एतमाद उदौला की टाइटल भी दिया था। जबकि मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां, आप जानते होंगे, इनको पद्महिसी भी कहा जाता है। इतिहास में इनको नूर महल का टाइटल दिया गया। और जहांगीर ने इनसे शादी करने के बाद इनके सम्मान में भारी मात्रा में चांदी का सिक्का जारी किया था। नूरजहां की माता असमत बेगम जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि को पहली बार भारत में खोजी थी। आप जानते होंगे मोटे तौर पे सवाल पूछा जाता है कि महावत खान नाम का एक व्यक्ति जिसने जहांगीर, नूरजहां, उनके ससुर मिर्जा गयास बेग, उनकी सास असमत बेगम को झेलम नदी के तट पर कैद कर लिया था। जहांगीर के शासनकाल में आप जानते होंगे प्रथम बार कैप्टन हॉकिंस का आगमन हुआ था, उसके बाद सर टॉमस रो का आगमन हुआ था, एडवर्ड टेरी और विलियम फिंच जैसे यात्रियों का आगमन भारत में हुआ था। आप जानते होंगे कि नूरजहां का पहला पति का नाम अली कुली खां बेग था। अली कुली खां बेग को शेर अफगान का टाइटल दिया गया था जहांगीर के द्वारा। आप जानते होंगे अली कुली खां और मेहरुनिशा से एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम लाडली बेगम था, जिसकी शादी जहांगीर के 5वें पुत्र शहरयार से करा दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर थे, उसके साथ साथ फारूक भी थे, विशनदास भी थे, मनोहर भी थे, गोवर्धन भी थे। आपको पता होगा जहांगीर के शासनकाल में सवाल पूछा जाता है कि चित्रकला अपने क्लाइमेक्स पर था और जहांगीर की आत्मकथा का नाम जो है याद रख लेंगे फतुहाते जहांगीरी है। फतुहाते जहांगीरी आत्मकथा जो है जहांगीर ने खुद लिखने का प्रयास किया है, जबकि वह पूरा नहीं हो पाया था तो उसको पूरा करने का काम जो है मौतबिंद खां को जाता है। सवाल पूछा जाता है कि फतुहाते जहांगीरी जो किताब जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है इसने स्वयं लिखने का प्रयास किया था, लेकिन जब यह मर गए पूरा नहीं हो पाया तो उसको पूरा करने का काम जो है मौतबिंद खां को दिया जाता है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी आपको पता होगा, और आपको पता होगा कि 1627 में जब इनका मृत्यु हो गया तो इनको कहाँ दफनाया गया, तो इनको शहादरा लाहौर में दफनाया गया है रावी नदी के तट पर, और इनके मकबरे का निर्माण इनकी पत्नी नूरजहां के द्वारा कराया गया है। आप जानते होंगे कि जहांगीर के मृत्यु के बाद जो है नूरजहां को 2 लाख सालाना वार्षिक पेंशन देकर इनको भी लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर 1645 में नूरजहां की डेथ हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के डिस्कशन के लिए आप सभी तमाम छात्रों को कि जो इतना मन लगाकर आज के डिस्कशन को सुने हैं। थैंक यू सभी छात्रों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान बंजारे आमतौर पर थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान बंजारा जो शब्द था वह क्या था? बंजारों की बात किया जा रहा है, बंजारा क्या था? ऑप्शन देखते हैं, कृषक वर्ग का था, योद्धा था, बुनकर था या व्यापारी वर्ग का था? सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और सभी लोग एक बार मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब सुबह के 7:10 होने को जा रहे हैं, सभी लोग क्या करेंगे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। मेरे पास अब एनर्जी आ चुका है, वही जोश, वही जुनून, वही अंदाज रत्नेश सर का, वही अंदाज में आपको पढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ टेंशन देने का, और इस बार बीपीएससी भी निकालने का। चलिए सही उत्तर करेंगे। और जो मेरे छात्र इस प्रश्न का राइट आंसर व्यापारी वर्ग कर रहे हैं, यानी जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं व्यापारी वर्ग सभी छात्रों का सही आंसर है। तो आपको बता दें मध्यकाल के दौरान बंजारे आम जो होते थे या घूम घूम कर खाना बदोश वाली जीवन गुजारते थे, और खाना बदोश वाली जीवन गुजारने के कारण जो है यह हमेशा एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और केवल व्यापार की बातें करते थे, इसीलिए इन्हें जो है व्यापारी वर्ग कहा जाता था या एक व्यापार का संचार करते थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, मुगल काल के दौरान मुअल्लिम क्या था? अब सवाल पूछा गया है कि मुगल काल के दौरान मुअल्लिम क्या था? क्या यह एक प्रकार का टैक्स था, एक प्रकार का प्रशासनिक इकाई था, एक प्रकार के शासक थे, या भारतीय व्यापारी जहाजों पर एक कर्मचारी थे? सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी छात्रों का सही आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न का राइट उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न का गलत आंसर भी कर रहे हैं। तो सभी लोग से मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो 26 का बहुत सारे छात्रों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं, कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं। तो मैं बता दूं जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं, भारतीय व्यापारियों पर जहाज का एक कर्मचारी बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय व्यापारियों पर जहाज का एक कर्मचारी जो होता था यह मुअल्लिम कहलाता था। आप सभी को पता होगा कि मुगलों के दौरान यह पद लाया गया था और जहाजों पर जो कर्मचारी काम करते थे वही कर्मचारियों को मुअल्लिम कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस इमारत को शाह ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है? शाह ए फतेहपुर की बात किया जा रहा है कि शाह ए फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन के हिसाब से बात करें, बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद, शाहजादी उमेर का महल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं सभी छात्रों का गलत उत्तर है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जामा मस्जिद हो जाएगा। जो लोग जामा मस्जिद आंसर कर रहे हैं सभी लोग का सही आंसर है। अब देखिए, आपको सबसे पहले थोड़ा सा शाहजहां के बारे में समझना होगा। 1627 से लगाकर 1658 तक जो है यह शाहजहां का शासनकाल रहा था। शाहजहां के बारे में बात करें तो इनका बचपन का नाम जो है यह क्या था? तो इनका बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था और शाहजहां के बारे में आपके पेपर में पूछा जाता है कि यह अकबर का पोता और जहांगीर का लड़का था। आप सभी लोग जानते होंगे कि शाहजहां जो है यह अकबर का पोता एवं जहांगीर का लड़का था। शाहजहां के बारे में इतिहास में बताया जाता है कि शाहजहां का अपने पिता जहांगीर से बनता नहीं था, यानी जहांगीर से इनका अक्सर मतभेद चलता था। आप सभी लोग जानते होंगे शाहजहां के बारे में बताया जाता है कि खुर्रम का अर्थ दुनिया का राजा और खुशमिजाज होता है। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि खुर्रम का अर्थ क्या होता है? तो खुर्रम का अर्थ जो है दुनिया का राजा एवं खुशमिजाज होता है। खुर्रम शब्द का अर्थ जो होता है यह दुनिया का राजा और खुशमिजाज होता है। शाहजहां के बारे में आप जानते होंगे मोटे तौर पे सवाल खूब पूछा जाता है कि इनका जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। यह जगत गोसाई के गर्भ से जन्म हुआ था। इनका जन्म आप जानते होंगे 1592 में हुआ था और लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और आपको पता होगा कि जगत गोसाई के गर्भ से, यह जगत गोसाई कौन थी? तो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। यह जगत गोसाई जो थी, याद रखने की जरूरत है, मोटा राजा उदय सिंह की लड़की थी। तो यह जगत गोसाई के गर्भ से 1592 में शाहजहां का जन्म लाहौर में होता है। और आप सभी को पता होगा कि मोटा राजा उदय सिंह की लड़की थी, जगत गोसाई के गर्भ से इनका जन्म होता है। शाहजहां का एक अन्य नाम जो है मुजाहिद भी मिलता है। शाहजहां को स्वयं इस्लाम का रक्षक घोषित किया था। शाहजहां का अन्य नाम मुजाहिद भी मिलता है। कहीं के हिस्ट्री में इनका एक अन्य नाम जो है मुजाहिद भी मिलता है, आपको याद रखना है। और इन्होंने स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया था। इन्होंने स्वयं को क्या किया था? तो स्वयं को इस्लाम का रक्षक घोषित किया था। तो याद रख लेंगे, इन्होंने स्वयं को इस्लाम का क्या किया? रक्षक घोषित किया। और इनका नाम खुर्रम के साथ साथ इनका नाम भारतीय इतिहास में मुजाहिद भी मिलता है। इनका नाम खुर्रम के साथ साथ जो है भारतीय इतिहास में क्या मिलता है? तो मुजाहिद भी मिलता है। आपको बता दें कि इनके शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी थे। कई बार अक्सर सवाल पूछा जाता है कि शाहजहां के शिक्षक का क्या नाम था? तो इनके एक शिक्षक थे जिनका नाम मुल्ला कासिम बेग तबरीजी, शाहजहां के शिक्षक मुल्ला कासिम बेग तबरीजी थे। लेकिन सर्वाधिक इनके जीवन पर जो प्रभाव पड़ा वह हकीम अजमल खां का पड़ा। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव की बात किया जाए तो हकीम अजमल खां, इनके जीवन पर अजमल खां का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो शाहजहां के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जो है हकीम अजमल खां का पड़ा था, जबकि इनके गुरु का नाम मुल्ला कासिम बेग तबरीजी था। यह हकीम अजमल खां जो है एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। हकीम अजमल खां जो थे यह एक बहुत बड़े चिकित्सक थे। शाहजहां के बारे में बात करें तो शाहजहां का विवाह जो है 1612 में अर्जमंद बानो बेगम से हुआ। ध्यान समझिएगा, शाहजहां की विवाह जो है यह 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद याद रख लेंगे, अर्जुमंद बानो बेगम इनका मूल नाम था। अर्जुमंद बानो बेगम के से इनका शादी 1612 में हुआ। आपने पढ़ा होगा, कल भी मैंने चर्चा किया था शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के कुल 14 संतान थे, शाहजहां के कुल 14 संतान थे और 14वां संतान की जन्म के समय 1632 में क्या होता है तो अर्जुमंद बानो बेगम का प्रसव पीड़ा के कारण डेथ हो जाता है। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि से भी नवाजा था और इनकी याद में शाहजहां ने इनके कब्र के ऊपर आगरे में ताजमहल का निर्माण करवाया था। कल की क्लास में मैंने आपको लगातार बताया था कि ताजमहल का वास्तविक नाम रौजा ए मनौवर है। ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। 20,000 से अधिक कर्मचारी इसमें लगातार एक दिन काम किए थे। ताजमहल का निर्माण कार्य जो है 1632 के आसपास शुरू किया गया था, जबकि यह ताजमहल 1653 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल का डिजाइन जो है उस्ताद ईसा खान ने तैयार किया था, जबकि ताजमहल को बनाने का काम उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था। ताजमहल के लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से मनाया गया था। ताजमहल के बारे में आप जानते होंगे कि 1683 में ताजमहल को 1983 में ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल कर लिया गया था। ताजमहल की तुलना आपको बताए थे कि मुकेश अंबानी के एंडमन हिलेरी में एक घर है एंटीला पैलेस, तो एंटीला पैलेस से ताजमहल का जो है तुलना किया जाता है अंबानी के एंटीला पैलेस से। शाहजहां के कुल 14 संतानों में 7 संतानों का जन्म मृत्यु जो है बचपन में ही हो गया था और 7 संतानों में आपको बता दें 4 लड़के थे, जिसमें दारा शिको का नाम आता है, जिसमें मुराद का नाम आता है, जिसमें आपको बता दें औरंगजेब का नाम आता है और जिसमें आपको मूल तौर पे आपको बता दें कि दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और मूल तौर पे शाहजहां के ये 4 पुत्र जो है मोटे तौर पे आपको याद रखना है। और आपको शाहसुजा और जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा यह 3 इनकी लड़कियां थी। तो 4 पुत्र यानी दारा शिको, शाहसुजा, औरंगजेब और मुराद याद रख लेंगे और 3 पुत्रिया में याद रख लेंगे रोशन आरा, जौहर आरा और गौहर आरा थी। यानी 7 इनके पुत्र और पुत्रियां थी, मिलाकर जिंदा थे। 7 पुत्र और पुत्रियों का मृत्यु बचपन में ही हो गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि इनके शासन काल को क्या कहा जाता है तो स्थापत्य युग का या मुगल काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग के नाम से इनके शासन काल को जाना जाता है। अब शाहजहां ने बहुत सारे इमारतों का, बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया था। आप हमेशा अक्सर यह पेपर में पूछा जाता है कि शाहजहां ने किन किन चीजों का निर्माण करवाया था। तो आप जानते होंगे शाहजहां ने आगरा लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया था। आपने पढ़ा होगा कि शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल। याद रखेंगे, जबकि मोटे तौर पे इन्होंने क्या किया तो इन्होंने आगरा लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद भी बनवाया था। इसलिए आगरा लाल किले के अंदर याद रख लेंगे, आगरा लाल किले के अंदर मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद का क्या किया था तो निर्माण शाहजहां ने किया था। आगरे लाल किले के अंदर मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद का निर्माण इसने किया था। आप सभी को पता होगा कि यह मोटे तौर पे इनके द्वारा यह तमाम चीजों का क्या किया गया था तो निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? अब सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। खुलदाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सिकरी एतमाद उद्दौला का मकबरा, आगरा औरंगजेब का मकबरा, दिल्ली अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। सही आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने कराया था। दीवाने खास का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आप सभी लोग को पता है कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, दीवाने खास, आगरे के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा कराया गया था। तो सभी लोग राइट आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो इस प्रश्न का सही आंसर अब्दुल रहीम खान खाना। आप जानते होंगे अब्दुल रहीम खान खाना जो है यह बैरम खां के लड़के थे और यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। यह अकबर के नवरत्न में क्या थे तो यह अकबर के नवरत्न में शामिल थे। आप जानते होंगे कि इन्होंने बाबरनामा तुजुक-ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से तो बाबरनामा के नाम से, और यह मुगल शासन के अंतर्गत पहला हिंदी का कवि थे। यह मुगल शासन के अंतर्गत पहला हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं। तो पहला हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो है यह पहला हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं। आगरा में औरंगजेब का मकबरा नहीं है। आगरा में आपको बता दें एतमाद उद्दौला का मकबरा है, एतमाद उद्दौला का मकबरा है। फतेहपुर सिकरी में जो है कोई मकबरा नहीं है। खुलदाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, खुलदाबाद में याद रख लेंगे। तो फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती, आगे चलकर इनके मकबरा की बात किया जा रहा था लेकिन यह मकबरा अब अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया था, यह बात याद रख लेंगे। अगला सवाल पूछा गया मुगल काल के दौरान मदरसा जो मुस्लिम न्याय शास्त्र के शिक्षण विशिष्ट था या कहां था? 29 का सही आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन देखते हैं। लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। बिल्कुल, सभी लोग का राइट आंसर आना चाहिए। पूछ रहा है मुगल काल के दौरान मदरसा जो मुस्लिम न्याय शास्त्र के शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है 29 का ऑप्शन नंबर डी। जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं गलत आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, अता अली खान किसे के नाम से पुकारा जाता है। अब पूछा गया है अता अली खान। अब अता अली खान जो है किसका नाम है। ऑप्शन अबुल फजल का, अबुल फैजिक का, टोडरमल का, तानसेन का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अता अली खान जो है किसका नाम है। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को और सभी लोग लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब शेयर और लाइक हम बोलना छोड़ दिए हैं, बहुत दिन से नहीं बोल रहे हैं। बहुत दिन से अब शेयर और लाइक के लिए हम छोड़ दिए हैं, आप लोग के ऊपर छोड़ दिए हैं कि आप लोग अपने मन से खूब शेयर और लाइक कर दीजिएगा, आप ही लोग के ऊपर छोड़ दिया गया है। चलिए, अता अली खान के नाम से किसे पुकारा जाता है। जो लोग तानसेन आंसर कर रहे हैं सभी छात्रों का सही आंसर है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं 30 का, जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं सभी छात्रों का सही आंसर है तानसेन। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। वास्तविक नाम आप जानते होंगे रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के यहां था। रीवा के राजा रामचंद्र के यहां सेवा दे रहा था। अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के यहां सेवा दे रहा था। तानसेन के बारे में बात करें तो तानसेन का मकबरा पूछा जाता है ग्वालियर में है। तानसेन का मकबरा जो है यह ग्वालियर में है। तानसेन की प्रमुख कृतियों पे बात किया जाए तो मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हरा, यह प्रमुख कृतियां तानसेन के द्वारा लिखा गया है। तानसेन को अकबर ने कंठा भरण वाणी विलास का टाइटल दिया था। तानसेन को अकबर ने कंठा भरण वाणी विलास का टाइटल दिया था। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अकबर के दरबार के और भी म्यूजिशियन थे। अकबर के दरबार के और भी संगीतकार थे। अकबर के दरबार के और भी संगीतकार में तानसेन का नाम आता है, बैजू बाबरा का नाम आता है, बंदा बाज बहादुर का नाम आता है और स्वामी हरिदास का नाम आता है। आपको बता दें स्वामी हरिदास से एक बार बीपीएससी में सवाल उठाया गया था। एक बार अकबर ने स्वामी हरिदास को अपने महल में बुलाया था, लेकिन स्वामी हरिदास ने अकबर के इस बात से इनकार कर दिया था। स्वामी हरिदास ने कहा था कि जाकर कह देना अपने महाराज से, अकबर से, कि मैं किसी के लिए गाना नहीं गाता हूँ, मैं अपने भगवान के लिए स्वयं गाना गाता हूँ। स्वामी हरिदास के इस बातों से अकबर बहुत नाराज हुआ था। मैं अपने हरि के लिए गाता हूँ, मैं किसी के घर पर गाना जाकर गाने वाला नहीं हूँ। यदि उसको गाना सुनने का इतना ही शौक है तो उसे भेज देना मेरे कुटिया पर, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो है आपका तानसेन हो जाएगा। टोडरमल आप जानते होंगे यह अकबर का दीवान राजा था। कल भी चर्चा किए थे, यह टोडरमल अकबर का दीवान राजा था और मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था कि टोडरमल ने 1580 में दहसाला और टकसाला व्यवस्था लाया था। इसने 1580 में दहसाला एवं टकसाला व्यवस्था लाया था। इस टोडरमल ने जो अकबर का राजस्व मंत्री के तौर पे सेवा दे रहा था। टोडरमल के बारे में पूछा जाता है कि टोडरमल अकबर के दरबार में सेवा देने से पहले यह आप किसके यहाँ, तो शेर शाह सूरी का राजस्व मंत्री भी रह चुका था। टोडरमल एक खन्नी जाति का आदमी था जो 1580 में दहसाला और टकसाला व्यवस्था लाया था। अबुल फजल आप जानते होंगे यह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अकबर के नवरत्न में अबुल फजल शामिल थे और अबुल फजल ने प्रसिद्ध अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया है। आपने पढ़ा होगा कि प्रसिद्ध अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया और यह लगभग 7 सालों में इसने पूरा किया था, जिसका एक पार्ट का नाम आईने अकबरी भी माना जाता है। अबुल फजल का सबसे बड़ा भाई फैजी था जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में रहा करता था। आप जानते होंगे अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद भी किया है अनवर ए सादत के नाम से, आपने पढ़ा है। जबकि मौलाना हुसैन फैज ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद यारे दानिश के नाम से किया है। यह तमाम सवाल आपको याद रख के चलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दिया जाता है। वीर सिंह बुंदेला एक जाट सरदार था। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दिया जाता है जो एक प्रकार का जाटों का सरदार था। ऑप्शन देखते हैं। बाबर खानवा की लड़ाई, हुमायूं चौसा की लड़ाई, अकबर हल्दी घाटी की लड़ाई, जहांगीर बल्ख की लड़ाई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सही आंसर इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सारे छात्रों का गलत उत्तर भी आ रहा है, बहुत सारे छात्रों का गलत आंसर आ रहा है। जो लोग 31 का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जहांगीर बल्ख की लड़ाई सही आंसर है। यह बल्ख की लड़ाई अफगानिस्तान के क्षेत्रों में लड़ा गया था और यह किसी मुगल सम्राटों के समय में नहीं लड़ा गया था। आप जानते होंगे बाबर ने खानवा की लड़ाई 27 मार्च 1527 को लड़ा था और आपने जानते होंगे 1527 में यह खानवा की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ा गया था। और आपको थोड़े देर पहले मैंने बताया है कि खानवा की लड़ाई में बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। राणा संगा बाबर से लड़ने से पहले 49 लड़ाइयां लड़ चुका था और उसके शरीर पर 89 तीर भालों के निशान थे। एक आंख का अंधा, एक पैर से लंगड़ा और एक हाथ का अपाहिज था। बाबर की सेनापतियों ने राणा संगा से लड़ाई लड़ने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाबरा ने अपने सेनापतियों को क्या किया, मोटिवेट किया और उन्हें कहा कि भारत में इस्लाम धर्म खतरे में है। यदि राणा संगा जैसे काफिर शब्द का प्रयोग किया, राणा संगा जैसे काफिर से लड़ते हुए मारे जाओगे तो तुम जन्नत में जाओगे, यदि युद्ध स्थल से भाग जाओगे तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। बाबर ने खानवा की लड़ाई लड़ने के लिए सारे प्रकार के मदिरा, तंबाकू, अफीम और चरस पे भी बैन लगा दिया था। खानवा की लड़ाई लड़ने के लिए बाबर ने तमगा नामक टैक्स जो मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाता था उसे बंद करा दिया था। खानवा की लड़ाई को बाबर ने जिहाद के नाम देकर लड़ा था। तो मोटे तौर पे खानवा की लड़ाई में बाबर विजयी हुआ था। राणा संगा युद्ध स्थल में हाथी पर बैठकर लड़ाई कर रहा था। एक आंख में तीर लगा, धबाक से नीचे गिरा और हाथी का जो महावत था उसे जंगलों की ओर लेकर भाग गया। जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि राणा संगा को फिर बाद में बाबर ने मार दिया, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि राणा संगा को जहर देकर बाबर के द्वारा मार दिया गया था। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है यह तो पता चल जाएगा। हुमायूं चौसा की लड़ाई आप जानते होंगे 1539 में चौसा की लड़ाई या बक्सर के समीप जो है यह चौसा की लड़ाई हुआ था। शेर शाह सूरी के समकालीन यह चौसा की लड़ाई लड़ा गया था। और आप जानते होंगे कि बक्सर की लड़ाई में, बक्सर के समीप यह चौसा की लड़ाई में हुमायूं कर्मनाशा नदी में गिर गया था और कर्मनाशा नदी में गिरने के कारण इस हुमायूं को एक मल्लाह निजाम भिस्ती ने बचाया था। आप जानते होंगे कि इस निजाम भिस्ती को एक दिन के लिए जब हुमायूं वापस सत्ता में आया तो उसने क्या किया था, तो राजा बनाया था और उसके चम्मार सम्मान में चमड़ी का सिक्का भी चढ़वाया था। हुमायूं भारी मात्रा में अफीम का सेवन कर लिया था चौसा की लड़ाई के समक्ष समय और वह कर्नासा नदी में कूद गया था। अब जानते हैं अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 का मामला है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि 1576 में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह ने इसमें मुख्य नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर जो है आप सभी छात्रों का जहांगीर का बल्ख अभियान गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा काल में उसके वर्ष के दौरान लड़ी गई सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिखाते हैं, चौसा 1538 में, कन्नौज 1539 में, हल्दी घाटी 1576, खानवा 1657 में। अब इसमें फिर आपको बताना है कि कौन सा मिसमैच है, कौन सा एक मिसमैच है यह आपको बताना है। 17 मार्च 1527 को खानवा की लड़ाई लड़ा गया था। सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है हल्दी घाटी की लड़ाई यह 1576 में हुआ था, अभी मैंने चर्चा किया। कन्नौज की लड़ाई मेरे भाई 1540 में हुआ था। आप जानते होंगे कन्नौज की लड़ाई को भारतीय इतिहास में बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इसी कन्नौज की लड़ाई लड़ने के बाद आपको पता होगा कि शेर शाह सूरी ने दिल्ली में दूसरा सूरी अफगान वंश का नींव रखा और राजगद्दी प्राप्त किया था। 1540 का बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद हुमायूं 15 सालों तक जो है सिंध भाग गया था और घुमक्कड़ की तरह जीवन गुजार रहा था। इसी दौरान वो सिंध जब भागा तो राणा विंसाल के महल में अमरकोट में वह जाकर छिपा था। और वहीं पर आपको बता दें कि मोटे तौर पर हमीदा बानो बेगम से प्रेम प्रसंग का मामला चलने लगा और हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने निकाह कर लिया और उसी के गर्भ से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म राणा विंसाल के महल में हुआ था। वापस 1555 में हुमायूं फिर दोबारा भारत की सत्ता में आता है और आपको बता दें मछीवाड़ा की लड़ाई ततार खां के साथ लड़ता है और इसके साथ सरहिंद का भी लड़ाई लड़ता है 1556 में और फिर वापस पुनः दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है। अगला सवाल है कि भारतीय महिमा का अंतिम सूरज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अब भारतीय महिमा का अंतिम सूरज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चलिए सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, हेमू, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 33 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 33 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 33 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग राइट आंसर करेंगे और जो लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं हेमू। हेमू आपको बता दें हेमचंद्र के नाम से मशहूर था, हेमू विक्रमादित्य के नाम से मशहूर था। अभी तक भारतीय इतिहास में 17 से अधिक शासकों ने विक्रमादित्य जैसा टाइटल ले लिया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए यह हेमू जो 1556 में पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा था, बैरम खान ने क्या कर दिया था, इस हेमू को बुरा तरह से पराजित कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि हृदय राजा जिन्होंने नागरी दास के नाम से भगवान कृष्ण के लिए स्तुति लोक लिखे हैं, कवि हृदय राजा जिन्होंने नागरी दास के नाम से भगवान के लिए स्तुति लोक लिखे हैं, ऑप्शन राजा उमेद सिंह, राजा राम सिंह, राजा छत्रसाल, राजा सामंत सिंह या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 34 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बहुत सारे छात्रों का 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा सामंत सिंह। जो लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं सभी छात्रों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा डैश डैश सालों में पूरा किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया है कि अकबरनामा जो है यह कितने सालों में अकबर द्वारा पूरा किया गया था। 35 नंबर सवाल का ऑप्शन देखिएगा, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अकबरनामा कितने समय में पूरा किया गया? 10 गो सवाल बचा है, 10 गो। सही उत्तर कर देंगे मेरे भाई इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में क्या राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कर देंगे। अकबरनामा आप जानते होंगे यह अबुल फजल के द्वारा 7 सालों में पूरा किया गया था। अकबरनामा का एक भाग आईने अकबरी है जिसको अबुल फजल ने मोटे तौर पे 12वें पार्ट में शामिल किया था और यह कुल 7 वर्षों में तैयार किया गया था अबुल फजल के द्वारा। एक प्रश्न पूछा गया है अनवर ए सुहेली का अनुवाद क्या है। अब अनवर ए सुहेली की बात किया जा रहा है कि अनवर ए सुहेली का अनुवाद क्या है। क्या यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, महाभारत का फारसी अनुवाद है, रामायण का या सूर सागर का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आने लगा है, ऑप्शन नंबर गुरुजी ए हो जाएगा, पंचतंत्र। आपको पहले बताऊं कि पंचतंत्र का रचना किसने किया, तो आप जानते होंगे पंचतंत्र का रचना विष्णु शर्मा साहब ने किया था। और आपको बता दें इसमें लोमड़ी और हिरण वाली कहानी है। लोमड़ी और हिरण वाली कहानी की बात किया जाए तो यह पंचतंत्र में लोमड़ी और हिरण वाली कहानी का वर्णन मिलता है। आप सभी लोग जानते होंगे अनवर ए सादत भी इसे कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं इसे अनवर ए सादत के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे अबुल फजल ने इसका अनुवाद किया था। इसका अनुवाद जो है हमारे अबुल फजल ने किया, जबकि मौलाना हुसैन फैज ने, याद रख लेंगे, मौलाना हुसैन फैज की बात किया जाए तो मौलाना हुसैन फैज ने इसे यार ए दानिश के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। आपको बता दें हाजी इब्राहिम सरहिंदी, यह भी सवाल पूछा जाता है कि हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने क्या किया, तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने, याद रख लेंगे, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद कराया था। और मुल्ला शाह मोहम्मद ने, याद रख लेंगे, मुल्ला शाह मोहम्मद के द्वारा क्या किया गया था, तो राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद किया था। और आपको बता दें मोटे तौर पर महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी की बात किया जाए, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, याद रख लेंगे, और शेख सुल्तान ने मिलकर रजमनम्मा के नाम से, 3 लोगों ने मिलकर, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां और शेख सुल्तान ने, इन 3 लोगों ने मिलकर महाभारत का नाम रजमनम्मा के नाम से जो है फारसी में अनुवाद किया था। सूर सागर, यह जो है साहित्य लहरी, यह सूरदास के द्वारा रचित है। और आपको पता होगा कि फैजी ने, याद रख लेंगे, लीलावती और नल दमयंत्री का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी ने लीलावती और नल दमयंत्री का क्या किया था मेरे भाई, फारसी में ट्रांसलेट किया था, फारसी में अनुवाद किया था। तो फैजी जो अबुल फजल का बड़ा भाई था, जिसने लीलावती और, याद रख लेंगे, नल दमयंत्री का फारसी में अनुवाद किया था। अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल, शाहजहां नामा के राइटर कौन है। अब सही उत्तर करेंगे इस प्रश्न का शाहजहां नामा, यह शाहजहां नामा किसके द्वारा लिखा गया है। गुलबदन बेगम, शाहजहां, अब्दुल हामिद लाहौरी, इनायत खां, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बिल्कुल 37 नंबर सवाल चल रहा है और 37 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। शाहजहां नामा के राइटर कौन है। और कई दफा मैं यह सवाल आपको बताया भी हूं कि शाहजहां नामा के लेखक की बात किया जाता है तो यह इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। शाहजहां नामा जो है यह इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। कुछ लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, गलत आंसर है। शाहजहां नामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया है, जबकि शाहजहां नामा के मूल राइटर आगे चलकर अब्दुल हामिद लाहौरी ने इसका फ्रेम तैयार किया था। अब्दुल हामिद लाहौरी ने इसका फ्रेम तैयार किया था, जबकि इसको लिखने का काम जो है यह इनायत खान के द्वारा किया गया था। गुलबदन बेगम ने, आपको पता होगा, हुमायूं नामा की रचना किया है। आप जानते होंगे सवाल खूब पूछा जाता है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा का रचना किया था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान को हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान मिला था? मुगल डायनेस्टी के अंतर्गत बात किया जा रहा है कि मुगल डायनेस्टी के अंतर्गत किस मुस्लिम विद्वान को हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। ऑप्शन की बात करें तो अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर वदायनी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मुगल काल के अंतर्गत बात किया जा रहा है कि किस हिंदी साहित्य को सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्या सही आंसर हो जाएगा? तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है गुरुजी अब्दुल रहीम खान खाना। आप जानते होंगे इनको खान खाना की उपाधि जो है अकबर के द्वारा दिया गया था। इनको खान खाना की टाइटल हमारे अकबर के द्वारा दिया गया था। और अभी मैंने बताया है कि यह बैरम खां के लड़के थे जो अकबर के नौरत्नों में भी शामिल हुआ करते थे। अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद कर रखा था? 39 नंबर सवाल चल रहा है कि हितोपदेश का फारसी अनुवाद दारासिको, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी या ताज उल मलिक। हितोपदेश का फारसी अनुवाद जो है किनके द्वारा मोटे तौर पे किया गया था? सही आंसर करेंगे हितोपदेश, आप जानते होंगे यह नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। हितोपदेश जो लिखा गया था यह नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था और इसका फारसी अनुवाद जो है 39 का सही आंसर करेंगे किसने किया था? तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है कि हितोपदेश का फारसी अनुवाद जो है ताज उल मलिक के द्वारा किया गया था। जबकि आपको बता दें हितोपदेश नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था और ताज उल मलिक ने इसका फारसी में अनुवाद कर दिया था। अब आप जानते होंगे कि ताज उल मासीर एक किताब है, कल मैंने बताया था ताज उल मासीर एक किताब है जिसको हसन निजामी ने लिखा है। ताज उल मासीर एक किताब है जिसको हसन निजामी ने लिखा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। जबकि तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी की कृति है, याद रख लेंगे, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक अभिलेख लिखने का काम किया था? निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है किस व्यक्ति के द्वारा मुगल काल में ऐतिहासिक लेख लिखने का काम किया गया था? क्या गुलबदन बेगम थी, नूर जहां साहब थी, जहां आरा थी या जेबुनिशा बेगम थी या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी लेडी जिसने पहली बार क्या किया था तो मुगल काल में ऐतिहासिक अभिलेख लिखने का काम किया था? और सभी लोग का सही आंसर आने लगा है ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। मैं बता दूं जो लोग गुलबदन बेगम आंसर कर रहे हैं सभी छात्रों का सही आंसर है। आप जानते होंगे गुलबदन बेगम यह बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, जिसने आपको पता है हुमायूं नामा का रचना किया था। आप यह भी बात जानते होंगे कि यह पहली ऐसी महिला लेडी थी जिसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण जो है हुमायूं नामा में दिया है। कहां पे? हुमायूं नामा में दिया है, तो राइट आंसर याद रख लेंगे नूर जहां बेगम। आप जानते होंगे इनको पद्महिसी का टाइटल दिया गया, इनको नूर महल का टाइटल दिया, किसने? जहांगीर ने दिया। इनसे विवाह करने के सम्मान में भारी मात्रा में जहांगीर ने चांदी का सिक्का भी जारी कर दिया था। यह भी बात आपको पता होना चाहिए। यह ईरान की रहने वाली थी, ईरान की निवासी थी। जहां आरा बेगम, आप जानते होंगे जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, यह जो है शाहजहां की लड़की थी और यह जहां आरा जो है अक्सर आपको पता चलना चाहिए कि आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण जहांआरा बेगम के द्वारा कराया गया था। यह भी सवाल, जैबुनिस्सा बेगम, इनका कोई खास योगदान नहीं है भारतीय इतिहास में। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली के शिक्षा केंद्र मदरसा ए बेगम के नाम से जाना जाता था, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली का शिक्षा केंद्र की बात किया जा रहा है और मदरसा ए बेगम के नाम से इसे जाना जाता था। इसका निर्माण की बात किया जा रहा है, क्या गुलबदन बेगम ने किया, माहम अंगा ने किया, जियाउद्दीन जियाउनिशा ने किया या जिन्नत उनिशा ने किया था? बड़ी शानदार सवाल है। 41 नंबर प्रश्न चल रहा है और 41 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 41 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और सभी लोग का राइट आंसर आने लगा है। 41 का सही आंसर, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा ब्रेक, यह सेशन कंटिन्यू चलेगा, 300 घंटे लगातार चलेगा और यह सेशन 7 मई को इस महायज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। इस महायज्ञ की पूर्ण आहुति, सभी लोग को दही चूड़ा खाने के लिए आना है। इस महायज्ञ को सफल बनाइए और बीपीएससी में अपना एक एक सीट सुनिश्चित कीजिए। तो इस महायज्ञ की पूर्णाहुति हम लोग 7 मई के दिन करेंगे आपके विशेष प्यार और आपके विशेष दुलार से। तो छुट्टी नहीं लेना है, लगातार पढ़ते जाना है, लगातार पढ़ते जाना है। और राइट आंसर बहुत सारे छात्रों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, माहम अंगा। माहम अंगा की बात किया जाए तो यह बाबर की पत्नी थी। आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि बाबर की पत्नी जो थी यह माहम अंगा थी और यह माहम अंगा के साथ याद रख लेंगे जीजी अंगा, कौन मेरे भाई? जीजी अंगा याद रख लेंगे और अधम खान। यह 3 लोग जो थे मोटे तौर पे पेटीकोट शासन, जो मुगलों में एक शासन चला था पेटीकोट शासन, जो 1560 से 1562 तक चला था, जिसमें माहम अंगा जो है यह हरम दल का इंचार्ज थी। यह हरम दल का क्या थी माहम अंगा? तो यह हरम दल का इंचार्ज थी माहम अंगा। इनके साथ जीजी अंगा और इनके साथ जो है अधम खां मोटे तौर पे सेवा दे रहे थे। महिलाओं की चलती यहां पर चलती थी 1560 से 62 तक। मुगलों में महिलाओं का सबसे बड़ा चलती चलता था, यह जो कहती थी वही होता था, जिसे इतिहास में पेटीकोट शासन के नाम से जाना गया। और यह महामंगा हरम दल का इंचार्ज थी, जो अकबर ने अपने मनोरंजन के साधन के लिए हरम दल को बनाया था। 1562 में हरम दल का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत सीखा था? अब कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने लाला कलावंत से संगीत सीखा था? ऑप्शन, क्या हुमायूं थे, जहांगीर थे, अकबर थे, शाहजहां थे? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लाला कलावंत से जो है संगीत सीखने का काम जो है किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया था? सही उत्तर करेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर सवाल चल रहा है और 42 का राइट आंसर करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, सभी लोग का सही आंसर आ रहा है, लाला कलावंत से अकबर ने संगीत सीखा था। बिल्कुल सही आंसर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अकबर ने संगीत के लिए अपने दरबार में स्वामी हरिदास को भी आमंत्रित किया था, लेकिन स्वामी हरिदास जो है इनके दरबार में आने से मना कर दिया था। स्वामी हरिदास ने इनके दरबार में आने से मना कर दिया था। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं अपने हरि के लिए गाता हूं, मैं किसी और इंसान के लिए नहीं गाता हूं। उसने स्पष्ट तौर पे यह बात से मना कर दिया था। इस बात को याद रख लीजिएगा, राइट आंसर अकबर हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? अब सवाल पूछा गया है कि तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था? मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाला कलावंती, बाज बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तानसेन का असली नाम पूछा जा रहा है कि तानसेन का असली नाम क्या था? सभी लोग सही उत्तर करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तानसेन का असली नाम की बात किया जा रहा है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है रामतनु पांडे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि तानसेन अकबर के प्रसिद्ध म्यूजिशियन में से एक थे। अकबर के यह प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे और यह प्रसिद्ध संगीतकार थे। अकबर में मोटे तौर पे आपको मैंने बताया है कि तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। तानसेन के बारे में मैंने अभी आपसे मोटे तौर पे बताया है, तानसेन के बारे में अभी मोटे तौर पे आपको बताया है कि तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। और आप सभी को पता होगा कि तानसेन जो का मकबरा की बात किया जाए तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में मौजूद है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में मौजूद है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और तानसेन के प्रमुख कृतियों के बारे में मैंने आपसे बात किया तो याद रख लेंगे मियाँ की मल्हार, याद रख लेंगे मियाँ की टोड़ी, याद रख लेंगे मियाँ का सारंग, याद रख लेंगे और दरबारी कन्हरा। तानसेन के बारे में बता दें तो तानसेन, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे था। और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। आप जानते होंगे ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और यह बहुत खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामतनु पांडे। बंदा बाज बहादुर आप जानते होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बंदा बाज बहादुर के बारे में जानकारियां दिया था कि बंदा बाज बहादुर को फर्रुखसियर ने क्या किया था? हत्या करवा दिया था, फांसी की सजा दिलवा दिया था। और यही बंदा बाज बहादुर जो थे यह अकबर के दरबार में मोटे तौर पे सेवा दे रहे थे। यह भी एक म्यूजिशियन थे। अगला सवाल को लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? अब पूछा जा रहा है कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। सही आंसर करेंगे, ऑप्शन देखते हैं, आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, जयपुर में या इनमें से कोई नहीं। अब तानसेन के मकबरा की बात किया जा रहा है कि तानसेन का, विपिन कुमार लिख रहे हैं सर जी पीडीएफ एक के बार एगो पीडीएफ लिख देते तो नहीं काम चल जाता। अजबे आदमी है, कहाँ घर है जी, हैं साफ उहे हवा कारे। एक पीडीएफ लिख देते तो हम देख लेते कि हाँ पीडीएफ देना है। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है द ऑफिसर एकेडमी, सुन लीजिएगा। जब पीडीएफ का बात कर दिए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है द ऑफिसर एकेडमी। और द ऑफिसर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर इस महाजग का पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। आप प्रिंट आउट करवा के याद कर जाइएगा। अरे तो मेरे को नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं। अब देखिए तानसेन का मकबरा आप लोग को पता है ग्वालियर में है। अब देखिए आगरा, अब देखिए सबसे बड़ी बातें हैं, कुछ मकबरा की बात कर लिया जाए, कुछ मुगलों के मकबरा की बात कर लिया जाए तो आपको बता दें बाबर का मकबरा की बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि बाबर का मकबरा सबसे पहले आगरा के आरामबाग, याद रख लेंगे आगरा के कहाँ आरामबाग, और उसके बाद में जो है कहाँ तो बाद में काबुल। पहले आगरा के आरामबाग और दूसरे बार जो है बाद में कहाँ काबुल में। इसके बाद हम बात करें हुमायूं के मकबरा पर तो हुमायूं का मकबरा को याद रख लेंगे कि हुमायूं का मकबरा यह दिल्ली के निजामुद्दीन में, यह दिल्ली के कहाँ तो यह दिल्ली के निजामुद्दीन में। तो हुमायूं का मकबरा हो गया दिल्ली के निजामुद्दीन में, जिसका निर्माण आप जानते होंगे हाजी बेगम, इन्हें हनीदा बानो बेगम कहा जाता है, हाजी बेगम ने करवाया था। अब यहां पे बात करें हुमायूं के बाद आपको तो याद रख लेंगे अकबर। तो अकबर का मकबरा जो है यह कहां पड़ता है? सिकंदरा में, याद रख लेंगे अकबर का मकबरा जो है यह सिकंदरा में है। तो मोटे तौर पे आपको याद रख के चलना है कि अकबर का मकबरा कहां पड़ता है? सिकंदरा में। इसके बाद मैं बात करूं जहांगीर के मकबरे की बात तो जहांगीर का मकबरा को जो है आपको याद रख लेना है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा लाहौर में है। कहाँ? लाहौर में है। इसके बाद मैं बात करूँ शाहजहां, तो शाहजहां का मकबरा की बात किया जाए तो शाहजहां का मकबरा जो है यह आगरा में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। और इसके बाद मैं बात करूँ औरंगजेब के मकबरे के बारे में, तो औरंगजेब का मकबरा यह खुलदाबाद में, और खुलदाबाद कहाँ है तो आपको बताना है, महाराष्ट्र में है। यह खुलदाबाद में है औरंगजेब का मकबरा, जो अब रोजा के नाम से जाना जाता है। अब सवाल पूछा जाता है कि मुगल वंशों में, मुगल एम्पायरों में कौन तीन ऐसे मुगल वंश थे जिनका मकबरा भारत से बाहर है? तो तीन मुगल वंशों में मैं बात करूं तो पहला बाबर एक ऐसा मुगल वंश था जिसका मकबरा भारत से बाहर है। दूसरा जहांगीर ऐसा मुगल वंश था जिसका मकबरा जो है भारत से बाहर है। और तीसरा बहादुर शाह जफर एकमात्र ऐसा मुगल वंश का शासक था जिसका मकबरा जो है भारत से बाहर, यानी रंगून म्यांमार में है। आपको याद रखना है 1862 में यह मकबरा रंगून के म्यांमार में इसकी डेथ हुई थी, वहीं पर बनाया गया था। ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। झांसी के, याद रखना झांसी, यह महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में दर्शाता है, और झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का मकबरा है, याद रख लेंगे। और जयपुर में जो है आगे चलकर सवाई राजा जयसिंह द्वितीय का मकबरा का निर्माण जयसिंह में करवाया गया था। अगला सवाल लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में औरंगजेब को महारत हासिल था? अब पूछा गया है कि किस वाद्य यंत्र में औरंगजेब को महारत हासिल था। सही आंसर करेंगे इस प्रश्न का, सही आंसर कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिखाते हैं, सितार में, पखवाजी में, तबला में, वीणा में। किस वाद्य यंत्र में औरंगजेब को महारत हासिल था? 45 नंबर सवाल चल रहा है, और 45 का सही आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत सारे छात्रों का सही आंसर आ रहा है, बहुत सारे छात्र सितार आंसर कर रहे हैं। गलत आंसर है, जो लोग सितार आंसर कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर वीणा हो जाएगा। वीणा आप जानते होंगे भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। या भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र की बात किया जाए तो भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है तो वीणा है। आप जानते होंगे कि मोटे तौर पे औरंगजेब वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब जो है यह वीणा बजाने में दक्ष था। मोटे तौर पे सवाल पूछा जाता है वीणा से एंशिएंट हिस्ट्री में कि समुद्रगुप्त नाम का एक शासक था, और समुद्रगुप्त नाम का शासक जो है, नामक शासक ने क्या कर रहा था, यह भी अपने सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर जो है वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए क्या किया गया है तो दर्शाया गया है। यह समुद्रगुप्त के सिक्कों पर जो है समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दर्शाया गया है। आप जानते होंगे अकबर के बारे में बात किया जाए तो अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर जो था यह नगाड़ा बजाता था, यानी आपको यह भी बात याद रख लेना है। इसके साथ साथ जहांगीर की बात किया जाए तो जहांगीर चित्र बनाने में मशहूर था, यानी यह चित्रकला करता था, याद रख लेंगे। यह कला में महारत हासिल किया था। तो मोटे तौर पे जो है आपको यह बात याद रखना है। यहाँ सितार की बात किया जा रहा है, तबला की बात किया जा रहा है। कल मैंने बताया था कि भारत में अमीर खुसरो नाम का यह जो व्यक्ति थे, जो आप जानते होंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारियों में से एक थे। अमीर खुसरो का जो है दरबारियों में से एक थे। उसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है मोटे तौर पे कि इन्होंने भारत में तबला और सितार का आविष्कार किया था। आप जानते होंगे अमीर खुसरो यह 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा था। आप जानते होंगे अमीर खुसरो के बारे में बात किया जाता है तो यह वही अमीर खुसरो हैं जो बलबन के दरबार में सबसे पहले सेवा दिए थे। इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश का एटा जिले के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो को भारत में पहली बार खड़ी हिंदी बोली के जनकदाता भी माना जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो है चित्तौड़ अभियान पर भी गया था, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो मोटे तौर पे यह सारे सवाल आपको याद रखना है। अमीर खुसरो को भारत में तूतिये हिंद के नाम से जाना जाता है। इसको तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। इसको गजल और शायर का आविष्कारक माना जाता है। तो यह तमाम सवाल जो है आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर अब बहुत सारे छात्रों का रहा है वीणा। अब यहां पे आपको बता दें एक सवाल और पूछा गया था, एक सवाल आप समझ लेंगे। वाद्य यंत्रों में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाता था मुगल बादशाह? तो आप सभी लोग याद रख लेंगे कि वीणा जो है यह औरंगजेब बजाने में दक्ष था। मोटे तौर पर सवाल पूछा जाता है। पखवाजी की बात किया जाए तो पखवाजी जो है यह ऑप्शन नंबर बी में आप जानते होंगे मराठों में सबसे ज्यादा, मराठों में पखवाजी जो है यह सबसे ज्यादा प्रचलित था। तो मराठों में पखवाजी सबसे ज्यादा प्रचलित था। और आपको बता दें यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको मुंह से बजाया जाता है। और ये पखवाजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे याद रख लेंगे ये पेशवाओं के शासन काल में, ध्यान समझेंगे, पेशवाओं के शासन काल में पेशवा लोग जो है इसे क्या करते थे? बजाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद पखवाजी एक प्रकार का डांस का रूप ले लिया था और यह डांस का रूप आज भी हमारे भारत में प्रचलित है। चलिए अब हमारे प्रिय सावन सर आपके समक्ष बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे और सावन सर का क्लासेस आपको मिलेगा। आप सभी लोग से एक बार हम बता दें कि इसमें जो प्रश्न जिन छात्रों को लगता है पीडीएफ की जो बात कर रहे थे, जो लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे उन छात्रों को मैं बता देना चाहूं एक बार पीडीएफ संबंधी जानकारियां, ध्यान समझिएगा, पीडीएफ संबंधी जानकारियां जो है समझ लेंगे। महायज्ञ की पीडीएफ जो संबंधी जानकारियां हैं इसके बारे में आपको एक सूचना दे देता हूं कि यह पीडीएफ जो है जितने भी महाकुंभ का पीडीएफ चल रहा है यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, आप जानते होंगे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और इस टेलीग्राम चैनल का नाम जो है द ऑफिसर्स एकेडमी है। हमारी दो टेलीग्राम चैनल है, लेकिन द ऑफिसर्स एकेडमी मेन टेलीग्राम चैनल और एक सब इंस्पेक्टर एकेडमी, बहुत सारे छात्र ऑलरेडी पहले से जानते होंगे। तो द ऑफिसर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। पीडीएफ अपलोड पर डे का जो है आपको आंसर के साथ कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमारे पीडीएफ वहां पे उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और 20 सेकंड का समय हमारे राजवर्धन सर के तरफ से आया है, आप लोग को देना होगा महज 20 सेकंड, चूंकि यह बोर्ड गर्म हो जाता है चलते चलते, बहुत ज्यादा 24 घंटा सेशन चल रहा है, यह सेशन दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट किया जा रहा है। आप महज हमें 20 सेकंड दीजिए, सावन सर पुनः आपके समक्ष चालू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग 20 सेकंड रुकेंगे, सावन सर की बेहतरीन क्लासेस जल्द ही प्रारंभ होने वाला है। थैंक यू सब।